ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام, علوم دینیہ کے اساتذہ اور طلباء, واعظین اور خادمین اسلام, جملہ اہل علم و فکر, نوجوانان امت اور تمام سامعین و ناظرین, الحمدللہ تعالی ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے, جس کا موضوع ہے دفاع شان صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اور ایک طویل سلسلہ وار گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس پر میں تفصیل سے پہلی نشست میں اظہار خیال کر چکا ہوں. ایک خاص نقطہ جہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوگا کہ اگر امت میں کسی دینی مسئلے پر, شرعی معاملے پر اعتقادی اصول اور فروع میں سے کسی شے پر اختلاف ہو جائے, نزاع ہو جائے, تو اسے حل کیسے کیا جائے. صاف ظاہر ہے جب دین اسلام قیامت تک پوری امت کے لیے باقی رہنے والا دین ہے اور امت میں اختلاف طبائع بھی ہوتی ہیں, انسانی طبقات میں, طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے, سوچ اور فکر کے انداز, اس کی سطحیں اور اس کی کوالٹی اور فکر کی اہلیت اور صلاحیت یہ بھی مختلف ہوتی ہے. پھر مختلف طبقات میں لوگوں کے ارادے اور نیتوں میں بھی فرق آتا رہتا ہے, سیاسی حالات, معاشرتی حالات, گرد و پیش کا ماحول, جس خاندان میں پرورش پائی, جس مسجد میں, مکتب میں, مدرسہ میں, امام بارگاہ میں, کسی مجلس میں حصول تعلیم کے لیے آپ شرکت کرتے رہے, عمر بھر اٹھتے بیٹھتے رہے, جن اساتذہ سے پڑھا اور جن علماء سے سنا, یہ ساری چیزیں مل کر ایک ذہن بنا دیتی, ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے, ایک خاص زاویہ نگاہ بن جاتا ہے مختلف امور کو سمجھنے کے لیے, اور رفتہ رفتہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ معاملہ امت کے مختلف طبقات میں
बेशुमार तारीखी अदवार में हुआ है, आज भी यही प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, मगर ये कि कई और उमूर इसमें शामिल हुए और ये शिद्दत इख्तियार कर गया। साफ जाहिर है इस्लाम जब दीन फितरत है तो ये इख्तिलाफात का पैदा होना भी इंसानी फितरत का हिस्सा है, एक सोसाइटल नेचर भी होती है, एक कलेक्टिव साइकी होती है, इज्तिमाई नफ्सियात, उससे ये चीजें जन्म लेती हैं। हुकूमती माहौल भी जहनों पर असरअंदाज होते हैं, जैसे मैंने कहा घरेलू और गिर्दोपेश का माहौल। तो फिर जो क़यामत तक रहने वाला दीन है उसने इख्तिलाफात और निज़ाआत पैदा होने की शक्ल में ला मुहाला इसका कोई हल भी तो बताया होगा, कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए इसमें, कोई एक फार्मूला, एक प्रिंसिपल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए भी तो होना चाहिए, रफ ए निजा के लिए, हल इख्तिलाफ के लिए। और अगर दीन ये रास्ता ना दिखाए इसका मतलब है दीन दीन कामिल नहीं है, और अगर दीन ये रास्ता दिखाए, और यकीनन दीन ने इस्लाम ने ये रास्ता दिखाया है कि इख्तलाफ की सूरत में उम्मत के लोग कैसे हल करें उस मसले को, हक तक कैसे पहुंचे, राह एतदाल को, राह तवस्सुत को कैसे पाएं, दीन इस्लाम ने यकीनन ये रास्ता दिखाया है। तो अगर लोग उस रास्ते से फ़ायदा ना उठाएं और मसले को हल करने का तरीक जो इस्लाम ने दीन ने अता किया है उसको अडॉप्ट न करें और अपने माइंडसेट पर डटे रहें, कायम रहें, और अपने मौलवियों और जाकिरों से जो कुछ सुना उस पर डटे रहें, और बचपन से लेके घरेलू माहौल से लेके जवान होने तक और उधेड़ उम्र तक जो कुछ सुनते देखते पढ़ते चले आए मखसूस माहौल में उससे हटने को तैयार ही ना हो, अपने जहनों के दरवाजे, जहनों की खिड़कियां, जहनों के रोशनदान कुल्लियतन बंद रखें, तो आप अंदाजा करें वो किसी नई बात को दाखिल होने की भी इजाजत ना दें, जो सुन लिया बंस। इसको कुरान मजीद ने सुम्मुन बुकमुन उम्युन कहा है, बहरा होना, गूंगा होना, अंधा होना, ना किसी की बात सुनना, ना समझना, ना मानना। तो अगर अपने जहन को खोलने के लिए लोग तैयार ही नहीं होंगे तो रफ़ निज़ा कैसे होगा, इख्तिलाफात का हल कैसे होगा, और आप हक तक कैसे पहुंचेंगे। ये एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है, और ये अलमिया तो उस जमाने में भी था जब इल्मी कल्चर था, मुताला आम था, लोग साहिबान इल्म, अहल इल्म बड़ी कसरत से दस्तियाब थे, और ऊंचे दर्जे के साहिबान इल्म हुआ करते थे, अकाबिर थे। उस वक्त भी ये अलमिया तो था डट जाना और अपने जहन के दरीचों को दूसरे की बात के लिए न खोलना, मगर अब ये अलमिया तो इतना बढ़ गया है कि अब तो न इल्म का कल्चर रहा, न मुताला का शगफ रहा, न इल्मी मजालिस और तबादला ख्याल का माहौल रहा, ना डायलॉग रही, ना बाहमी म्यूचुअल कन्वर्सेशन रही, एक दूसरे से मुआमला ही नहीं है, मुजालसत ही नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल बैठना ही नहीं है, तबादला ख्याल ही नहीं है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की किताबों को भी कभी हाथ नहीं लगाया। आप अपने गिरेबान में झांक कर, और मैं जब ये बात कर रहा हूं पूरी उम्मत की सतह पर, पूरे तमाम तबकात को मुखातिब कर रहा हूं,
सारे सुनने वाले मेरी गुफ्तगू को खुद ईमानदारी से सोचें कि एक मसलक के लोगों को, हत्ता के अहले इल्म को, दूसरे मसलक के लोगों की बुनियादी किताबों का ही इल्म है। कभी खोल के देखी उनके उसूल और फुरू को और उनके फनून को, कभी किसी ने पढ़ा है? उनके हां वो किताबें पाई जाती हैं, बहुत कलील। अगर आप इस तरह के वाइजीन को, उलमा को खिताब करने वाले, आमतुन नास की राय बनाने वाले लोगों के घरों में, उनके मदारिस में, मस्जिदों में चले जाएं, तो शायद हजार में कोई एक आध या एक दो मिले जिनके पास दूसरे मसालिक और मकातिब फिक्र की भी कसीर कुतुब जरूरी मौजूद हों, हजारों में कोई मिलेंगे। अपनी कुतुब नहीं है पूरी, अपने कदीम मताबे से आगे ही नहीं रही, मसादिर से आगे ही नहीं रही, सानवी और तीसरे चौथे पांचवें दर्जे के मसादिर पर इक्तफा हो गया है। आज के लोगों के किए हुए तर्जमे लेकर बैठे हैं। और मुताला नहीं है। फिर उसके बाद क्या मदारिस में एक दूसरे की कोई किताबें पढ़ता पढ़ाता है? मेरा नुक्ता नजर क्या है? अगर वो बात मुझसे न सुनी जाए बराह रास्त, और मेरा नुक्ता नजर एक ऐसा शख्स बयान करे जिसको मेरे साथ अदावत है, इख्तिलाफ है, मुझसे मिला ही नहीं, मुझको बराह रास्त उसने सुना ही नहीं, मुझे पढ़ा ही नहीं, मेरी मजलिस में ही नहीं बैठा, मेरा शागिर्द नहीं है, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं, मुखालिफीन में है, मुआनिदीन में है, मुत्तहिमीन में है, इत्तेहाम और तोहमत लगाने वालों में, अगर वो अपनी मजलिसों में बैठकर मेरा नुक्ता नजर बयान करेगा कि कादरी साहब का अकीदा ये है, कादरी साहब का नुक्ता नजर ये है, कादरी साहब का ख्याल ये है, वो ये कहते हैं, तो आप अंदाजा कर लें इस बात में कितनी सदाकत होगी और कितनी नेक नियति होगी, कितनी ईमानदारी होगी और इसके कितने असरात बुरे होंगे। ये तरीकाकार हमारा पूरे मुआशरे में, इल्मी हलकों में चल रहा है। मैंने कल ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे उलमा अहले सुन्नत के हैं जिन्होंने गालिबन पूरी उम्र मुझसे मुलाकात ही नहीं की और न मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी मजलिस में कभी नहीं बैठे, उन्होंने बराह रास्त मुझको सुना पड़ा नहीं है, ताल्लुक ही नहीं रहा कभी आपस में, राह चलते सलाम दुआ भी बाज़ औकात नहीं हुई, यानी राबता ही नहीं। ऐसे लोग भी, सिर्फ उन्होंने सुना सैयदना मौला अली अल मुर्तजा के मनकबत में मेरा कलाम, मेरी गुफ्तगू, और वो भी मेरा खिताब नहीं सुना होगा मुझे यकीन है, मेरी कैसेट से नहीं सुनी होगी, क्योंकि कईयों सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सैयदा कायनात की शान में मेरे खिताब, मेरी किताबें, हसनैन करीमैन की शान में मेरी किताबें, मेरा दर्स बुखारी शान अहले बैत में, दर्स सही मुस्लिम शान अहले बैत में, दर्स तिरमजी शान अहले बैत में, दर्स नसाई शान अहले बैत में, ये कुछ सुना। फलसफा शहादत इमाम हुसैन पर या यजीद की तकफीर पर, यजीद लईन उस जहन्नुमी की तकफीर पर मेरा, मेरे बारे में सुना, और मेरे खिताबात भी नहीं सुने कि कैसेट से सुने हो या किताबें पढ़ी हो या मजलिस में बैठे हो, मुझे इल्म है जाती तौर पर पुख्ता शवाहिद के साथ, तो अपनी मजालिस में बैठते हैं, लाहौर में बैठते हैं, कराची में बैठते हैं, मुल्तान में बैठते हैं, पाकिस्तान में बैठते हैं, इंग्लैंड में बैठते हैं और दुनिया के बाकी खितों में बैठते हैं मजालिस में, और वहां कहते हैं कि कादरी साहब तो शिया हो गए, उनका अकीदा बदल गया, वो शिया हो गए। खुदा का खौफ करें, आपने मरना भी है, कब्र में जाना है, आप दीन के नुमाइंदे कहलाते हैं, हुजूर की सुन्नत के प्रचार करने वाले हैं, उम्मत को राह हिदायत देने वाले हैं, अगर आप सुनी सुनाई बात पर बगैर तहकीक के इस तरह झूठ बोलने लगेंगे, किस बयानी करेंगे, तोहमत लगाएंगे, तो इस दीन का और उम्मत का हाल क्या होगा?
मैं फिनोमेना कलेक्टिव अलमिया बता रहा हूं। अब मैं इसका दूसरा रुख भी बताऊंगा ना, शुरू यहां से कर रहा हूं। उनसे किसी ने पूछा आपने मेरा फुला खिताब फुला खिताब फुला खिताब पढ़ा, शान सिद्दीक अकबर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनहाजुल कुरान में, वो खिताब सुना, दीगर कुतुब पढ़ी, तो जवाब दिया नहीं जी हमें फुर्सत ही नहीं है किसी की किताबें पढ़ने की, हमारे पास टाइम नहीं है किसी के कैसेट और खिताब बैठ के सुने। भाई न तुम्हारे पास किताबें पढ़ने की फुर्सत है न तुम्हारे पास किसी का खिताब सुनने की फुर्सत है, मगर उस पर कमेंट करने तोहमत लगाने की फुर्सत है। यह एक अलमिया है, इज्तिमाई अलमिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स का झूठा और कज़ाब होना उसके लिए यही काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे पहुंचाता फिरे आगे पहुंचाता फिरे बगैर तहकीक के। अब सवाल यह है कि यह प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ, मैं ये नुक्ता बता रहा हूं, यह क्यों पैदा हुआ प्रॉब्लम। यह इसलिए पैदा हुआ कि खारजियत की गर्द अहले सुन्नत में दाखिल होना शुरू हो गई, गर्द पड़ने लगी। ये पिछले 20 30 50 साल 40 साल के अरसे में यजीदी फिक्र ने, खारजी फिक्र ने, बुग़्ज़ अहले बैत के फिक्र ने ताकत पकड़ी, उन उस फिक्र के हाथ में बंदूकें आ गईं, उस फिक्र वालों की जुबानें दराज हो गईं, फैल गए, उन्होंने इतना प्रोपेगंडा किया, इतना प्रोपेगंडा किया। एक कायदा लोग कहते हैं कि इतना झूठ बोलो इतना झूठ बोलो इतना झूठ बोलो कि अगर कोई सच भी बोले तो वो झूठा नजर आए, झूठ को इतना फैला दो, हर कान पर झूठ पहुंचे, हर कान पे झूठ इतना पहुंचे, सुबह शाम इतना झूठ का तذکرہ हो कि अब उस झूठे माहौल में अगर कोई सच बात कह दे तो वो सच्चा झूठा नजर आए। ये माहौल क्रिएट हो चुका है। अब अहले बैत के खिलाफ सीधना इमाम आली मुकाम सीधना इमाम हुसैन के खिलाफ, उनके फैसले सफर करबला के खिलाफ, उनकी शहादत के खिलाफ, फिर यजीद के हक में बिलवास्ता इतना पुरजोर तरीके से एक मुहिम चली और शान सहाबा में खिताबात, यह गोशा हक का था, यह ईमान का पहलू था, मगर अहले बैत के मुकाबले में सहाबा कराम को लाके खड़ा कर दिया गया। जैसे दूसरे मकतब फिक्र शिया मकतब फिक्र ने सहाबा कराम के मुकाबले में अहले बैत को लाके खड़ा कर दिया, दोनों सिमट दीन इस्लाम के साथ दुश्मनी हुई, दीन इस्लाम पे जुल्म हुआ, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से इन्हिराफ हुआ दोनों सिमतों में। मैं दूसरे रुख पे अभी बाद में आता हूं। तो सहाबा कराम के मनाकिब में इतना जोर लगाया गया जो लगाना चाहिए, मैं भी इसी सीरीज पर गुफ्तगू अब कर रहा हूं, इतना तस्करा हुआ कि नई नस्लों में और नए अहले इल्म और उलमा और मजालिस में उन्होंने तस्करे ही कम सुने अहले बैत अतहार के। रफ्ता रफ्ता यह ख्याल डेवलप हो गया कि अहले बैत की बात करने वाला शिया होता है, हुब्बे अली की बात करने वाला शिया होता है, हजरत अली को मौला अली जो कह दे वो भी शिया होता है। वो भूल गए कि ये टाइटल ताजदार कायनात ने अता किया था, मन कुन तो मौला हो फली जुन मौला हो, जो मौला कायनात कह दे आपको वो शिया है। भूल गए कि ये मौला कायनात तो आका अलैहिस्सलाम ने बनाया है उनको, मन कुन तो मौला हो फली जुन मौला हो। अहले बैत का जो तस्करा करे जो उनकी शान बयान करे तो वो शिया होता है। इसको इतना फैलाया इतना फैलाया इतना फैलाया गया कि अहले सुन्नत के लोग जिनके आबाओ अजदाद और ऊपर की नस्लें अहले बैत की मोहब्बत में गर्क रहती थी फना रहती थी, जिनके ईमान का खमीर हुब्बे अहले बैत से और हुब्बे सहाबा से, मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा, ताजीम और तकरीम अहले बैत और ताजीम और तकरीम सहाबा से मिलकर उठा था, जिनका खमीर मिलकर उठा था, उनके ख्याल से अहले बैत निकलते गए, अहमियत कम होती गई, अहले बैत की मोहब्बत का तज़करा खौफ से झिझक से डिफेंसिव पर चले गए, दीनी मजहबी दहशतगर्दी की वजह से, मजहबी दहशतगर्दी की वजह से पीछे चले गए। और असरात बढ़ते बढ़ते चूंकि किसी ने रोक टोक नहीं की, कई साल गुजर गए,
नतीजा ये हुआ कि ये जहन बन गया कि अब जाके जब मैंने महसूस किया कि खारजियत का गलबा होता जा रहा है अकीदा अहले सुन्नत पर, हुब अहले बैत, ताजीम तकरीम अहले बैत, तमस्सुक बिल अहले अहले बैत निकलता जा रहा है, जो हमारे आइम्मा का, अकाबिर का, मुहद्दिसीन का, औलिया का, सूफिया का, सलासिले तरीकत का शेवा था, निकलता जा रहा है। तो मैंने पिछले 10 साल का अरसा कमो बेश या उससे जायद मैंने इस महाज पर काम किया। अब जो लोग शनासा नहीं रहे थे कि अहले बैत की मोहब्बत और अजमत इस अंदाज के साथ, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान है, तो जब उन्होंने ये आवाज अपने कानों पर सुनी बगैर ताकीद के मदरसों में, मस्जिदों में, अपनी मजालिस में तोहमत लगा दी, शिया हो गए, शिया हो गए, गोया अहले बैत की मोहब्बत को शिया के खाते में डाल दिया गया। अब अहले सुन्नत सिर्फ वो है माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो सिर्फ सहाबा कराम का दामन थामे और अहले बैत से ताल्लुक न रखे, अस्तग़फिरुल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, यानी ऐसे ज़ेन नापुख्ता कच्चे कम इल्म, इस तरह के ज़ेन पैदा हो गए। और इसमें बड़ा रोल प्ले करता है मुनाजिराना माहौल। जब आप दीन में मुनाजरे शुरू कर देते हैं तो मुनाजरे में फिर ऐसी की तैसी होती है, ईंट का जवाब पत्थर होता है और हकायक का भी इनकार होता चला जाता है दोनों सिमतों से। तो मुनाजराना माहौल ने दीन को और दीनी फिक्र को नुकसान पहुंचाया है, यह एक सूरत हुई। अब दूसरी सिमत, यह रद्द अमल हुआ है, मैं अब अहले तशय्यो को कह रहा हूं, अब उनकी तरफ मुखातिब हूं। एक जमाना था जब सहाबा कराम को मजालिस में, टीवी पर, खिताबात में इस तरह खुलेआम नाम लेकर सब शितम और गालियां नहीं होती थी। ये बातें किताबों की हद तक मुनाजिर लोग लिखते थे और उनकी रिवायात में मिलता था, मगर मजालिस में एक रवादारी थी, एक मोहब्बत एहतराम था, अदब था। मुझे मेरे वालिद गरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद बताया करते थे, जब वो 30s का जमाना उन्होंने पूरा जब लखनऊ में गुजारा, 10 साल लखनऊ में पढ़े फरंगी महल में, दारुल उलूम फरंगी महल में, और फिर उसके बाद हैदराबाद दक्कन के उलमा से, दिल्ली के उलमा से, और वक्तन फवक्तन कानपुर और सहारनपुर और दीगर मकामात पर भी तशरीफ ले जाते, मगर 10 साल वो लखनऊ के फरंगी महली मकतब फिक्र, ये उनका इल्म का मकतब फिक्र था। जब पढ़े तो मुझे उन्होंने खुद फरमाया, वो रावी हैं, मैं खुद गवाह हूं, फरमाया कि बेटे लखनऊ जैसा शहर आपको पता है कि जो मरकज था मुनाजरों का, वहां खुलफाए राशिदीन के अय्याम सुन्नी और शिया मिलकर मनाते थे, यौम सिद्दीक अकबर, यौम फारूक आजम, यौम उस्मान गनी, यौम अली शेर खुदा और शहादत इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम उल हराम, ये पांचों तकरीबात अहले सुन्नत अहले तशय्यो मिलकर करते थे एक ही स्टेज पर। तो शिया शुअरा और शिया उलमा वो खुलफाए सलासा की शान में अपना मंजूम कलाम भी पेश करते, खिताब भी करते थे, और सुन्नी उलमा फिर अहले बैत अतहार की शान में अपना मंजूम कलाम शुअरा और उलमा खिताब करते थे। इस तरह जॉइंट वेंचर होता था, एक दूसरे पर पत्थर और ईंटें नहीं बरसाई जाती थी। आपने इस वजह से यह भी देखा होगा कि तवील जमाना, हमने तो देखा है बहुत बचपन में, मगर हमारे देखते ही देखते फिजा बदल गई। शिया हजरात 10 मुहर्रम उल हराम को या मुहर्रम के 10 दिनों को अपने जुलूस निकालते थे अपने अकीदा अपने मसलक के मुताबिक, मगर अहले सुन्नत कभी ईंटें नहीं बरसाते थे, पत्थर नहीं बरसाते थे, अपनी आजादी के साथ करते थे वो। जब मिलाद पाक के मामलात आते थे तो पत्थर ईंटें नहीं बरसा करती थी आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर, हर कोई एक दूसरे के मसलक के शियार का एहतराम करता था, एक हया था। कई तकरीबात इकट्ठी मुनकिद होती थी, यह एक दौर था, एक कल्चर था। तो हुआ यह कि जब अहले तशय्यो के लिए मैं नसीहत की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने इस बात पे जोर दिया, उनके अकीदे और मसलक में यह बात नई नहीं थी, तवील चली आ रही है, अव्वल दिन से कमो बेश इस तरह है, मगर जब शिद्दत इख्तियार हो जाती है, ये दो जमानों में हुई, एक जब जवाल बगदाद हुआ, खिलाफत बनू अब्बास और खिलाफत बगदाद का डाउनफॉल हुआ,
उस वक्त शिया सुन्नी मुनाजरे इंतहा पर चले गए थे। खलीफा मुस्तासिम बिल्ला अहले सुन्नत था, उसका बेटा अबू बकर वो लीड करता था, सरपरस्त था अहले सुन्नत के मुनाजरों का, और उसका वजीर आजम था इब्ने अलकमी। इब्ने अलकमी शिया था और वो सरपरस्ती करता था शिया हजरात की, और हर वक्त गली कूचे में मुनाजरे होते थे और उम्मत दस्त गिरेबान थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और उस उन टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद इज्तिमाई कुव्वत उम्मत की इतनी कमजोर पड़ गई थी कि उन हालात में चंगेजियों ने बगदाद पे हमला किया, हलाकू खान का, चंगेज खान का आपने सुन रखा है, और 1252 हिजरी, 656-658 हिजरी और 1252 ईस्वी हमला किया और 23 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया। 3 दिन तक दरियाए दजला मुसलमानों के खून से सुर्ख होके बहता रहा। उस खून में कोई इम्तियाज नहीं था, तातारियों की तलवार अंधी थी कि किस कौन सी गर्दन सुन्नी की है, कौन सी गर्दन शिया की है, सब बैठ कट गई। आज एक अरसे से बढ़ते बढ़ते यही कैफियत है बरतानिया में तो 6-7-8 माह से, और बाकी कई इलाकों में फिर जोरों पर है उम्मत को टुकड़े करने के लिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं अहले तशय्यो भाइयों को कि अगर तो बात मुस्बत तरीक पे रहे, अहले बैत अतहार की शान बयान करें, मसलक का इनसार इस पर हो, पॉजिटिव वैल्यूज पर हो, तो अहले सुन्नत भी साथ होके चले, आप भी साथ होके चले, क्योंकि मौला अली शेर खुदा की शान पर अहले सुन्नत उनका ईमान है, अहले बैत अतहार पर ईमान है अहले सुन्नत का, पॉजिटिव एंगल्स हों तो साथ होके चले। इख्तिलाफ अगर है मसला खिलाफत पर या किसी चीज पर तो उसको अपने अकीदे की हद तक इंसान रखे, मगर सब शितम तक ना जाए, उनको तान और तशनी के तीरों का निशाना ना बना ले असाब सहाबा कराम को, और गाली गलोच देना और उनको माजल्ला काफिर तक कहना। एक दिन बरतानिया में मैंने अपने कानों से, मैं खुद गवाही दे रहा हूं, 45 मिनट या 50 मिनट के करीब बैठकर बाई दिवे एक टीवी चैनल ऑन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, उसमें 2-3 मौलवी साहब साहबान बैठे थे अहले तशय्यो के, और एक प्रोग्राम था पतनी सीक्रेट बिहाइंड सकीफा या ऐसा कोई नाम था, सकीफा बनु सायदा का वाकया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मेरे अहले तशय्यो भाई गौर से उलमा भी आवाम भी सुन ले, मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकी कि मैं उस प्रोग्राम को दोबारा कभी सुन सकूं, इतनी मुखल्लजात बकी जा रही थी, कुफर बका जा रहा था। खुलफाए राशिदीन को सीदना सिद्दीक अकबर और सीदना फारूक आजम दोनों टारगेट थे, उन्हें बिलवास्ता काफिर तक, मुनाफिक तक, साजिश तक और आकल इस्लाम का कातिल तक कहा गया। कुछ शर्म होना चाहिए, कुछ हया होना चाहिए। ये बातें अब दलायल में आएंगी कि आप किन को क्या कह रहे हैं, उनको जिनके हाथ पर मौला अली शेर खुदा ने बैत की है, उनको काफिर मुनाफिक और कातिल और दीन का दुश्मन तसव्वुर कर रहे हैं। ये चीजें आगे आएंगी। कोई ये कह सकता है कि वो जबरन बैत की है, तो इस मौजू पर अलग आऊंगा मैं इंशाअल्लाह, जब मसला खिलाफत हमारे मौजू में आएगी मैं बयान करूंगा जबरन की है या बरजा रगबत की है, इस पर दलायल होंगे। जिस पर मौला अली शेर खुदा ने बैत की है, जिस पर जनी जमी बनू हाशिम ने बैत की है, जिनके वजीर और मुशीर 30 साल तक, पहले 25 साल तक मौला अली शेर खुदा रहे, और जिनकी तारीफें की हैं मौला अली शेर खुदा ने अपने खुतबात में नहजुल बलागा में, जिनकी हमद की है, जिनके औसाफ बयान किए हैं। क्या कोई शख्स ये क्लेम करता है कि वो मौला अली शेर खुदा से भी बड़ा ईमानदार बन गया है? क्या कोई शख्स ऐसी बातों के जरिए नौजवान नस्ल को यह बताना चाहता है कि मौला अली शेर खुदा ने जो उनकी तारीफ की वो भी गलत थे, और हमें हकीकत पहुंची है आज 15 सदियों के बाद? वो मौला अली शेर खुदा की तरदीद कर रहा है, वो इमाम जैनुल आबिदीन की तरदीद कर रहा है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरदीद कर रहा है, वो इमाम मोहम्मद अल बाकर की तरदीद और तकजीब कर रहा है, वो इमाम जाफर सादिक की तकजीब कर रहा है। इन सारे इमामों ने अपनी औलाद में अपने बेटों के नाम अबू बकर भी रखे, उमर भी रखे, उस्मान भी रखे, और इमाम अली तक, इमाम अली नकी तक और इमाम हसन अस्करी तक, आइमा ने एक जिसकी इकलौती बेटी हुई तो उसका नाम आयशा रखा,
कोई अपने दुश्मनों के नाम रखता है अपनी औलाद के, कोई अपनी औलाद के लिए काफिरों के नाम रखता है, कोई अपनी औलाद को मुनाफिकों का नाम देता है, कोई दुश्मनान अहले बैत। आज कोई शिया तसव्वुर कर सकता है कोई तैयार रखने को अपने बेटे का नाम अबू बकर रखे, उमर रखे, उस्मान रखे, बेटी का नाम आयशा रखे, कोई करेगा? हम मुसलमान किसी बच्चे का नाम अबू जहल अबू लाब रखने को तैयार हैं? कोई अदना से अदना दीनी गैरत रखने वाला मुसलमान भी दीन के दुश्मन का नाम अपनी औलाद को नहीं देता। तो ये चीजें मैं आगे दूंगा, और अहले सुन्नत की कुतुब में नहीं, ये आइम्मा अहले तशय्यो ने बयान की है। अहले तशय्यो की कुतुब भरी पड़ी है इन चीजों से। 11 इमाम, इमाम हसन अस्करी तक 11 इमाम सारे अपनी औलाद में नाम खुलफाए राशिदीन के नामों पे रखते रहे, और बाजो इमामों की इकलौती बेटी हुई तो उसका नाम आयशा रखा। ये मैं दलायल दूंगा किताबों से, एक्चुअल किताबों से रेफरेंस दूंगा। ये बात तो मैंने बाई दी वे बरसबीले तज़करा सिर्फ इसलिए अर्ज कर दी कि सोचने की बात है। कुछ जरा ठहरिए, खुदा के लिए ठहरिए, रुक कर सोचिए, तामुल कीजिए, किधर जा रहे हैं आप, उम्मत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आका अलैहिस्सलाम 23 बरस काविश की, 7,25,000 मुसलमान किए सहाबा कराम, और माज़ल्ला उनके बाद सिर्फ 10, 11, 12, 20, 25 जो बनु हाशिम के साथ उस वक्त थोड़े से रह गए थे वही सहाबा रहे, बाकी माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह सब मुर्तद हो गए, काफिर थे, मुनाफिक थे। किसे नाकाम करार देना चाहते हैं आप? रिसालत मुहम्मदी को? ये बात समझने वाली, ये बातें मैंने ऐसे मुकदमात में कही हैं, और ये कह के मैं टाल नहीं दूंगा इनको। मैं इनमें से एक एक जुज पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पे करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त एक फिक्र दे रहा हूं, सोच दे रहा हूं। दीन कभी मुकम्मल नहीं होगा जब तक इधर अहले बैत अतहार, इधर खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम दोनों के दामन यकजा नहीं थामे जाएंगे, दोनों की इज्जत तकरीम और मोहब्बत इकट्ठी नहीं होगी। ये दो पहिए हैं इस्लाम की गाड़ी के। जो भी इन दो में से एक को काटेगा वो दीन को दो लख्त कर देगा। ये वजह है कि कल पिछली गुफ्तगू में जो कल हुई मैंने उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ उसमें से दो बातें इख्तिसारन तज़करा करके आगे चलना चाहता हूं। और वो दो बातें, एक तो आपको याद है मैंने खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम की बात की थी, और मैंने कहा था कि मसला खिलाफत पर इख्तिलाफ उम्मत मुहम्मदी में ही नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तारीख इंसानी का पहला इख्तिलाफ ही मसला खिलाफत पे हुआ था इस कायनात में, अर्जी कायनात। तो मलाइका ने भी सवाल किया, आज मैं उसका एक दूसरा रुख अर्ज कर रहा हूं जो कल बयान किया, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जब अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं खिलाफत मुकरर कर रहा हूं, निजाम खिलाफत खलीफा अपना बना रहा हूं, तो मैंने बताया था यह सवाल मलाइका के जहन में भी आया, सवाल इबलीस के जहन में भी आया, मगर मलाइका का तर्ज अमल सिर्फ इस्तिफसार था। मैं ये एक नया रुख दे रहा हूं उस बात का, एक नया एस्पेक्ट रख रहा हूं। मलाइका का जो इकदाम था वो सिर्फ इस्तिफसार था, पूछना, जबकि इबलीस उसका तर्ज अमल इस्तिफसार नहीं था, इस्तिनकार था, इस्तिनकार, इनकार करना। ये दो तर्ज अमल जुदा हो गए। तो मैंने बताया था किसी मसले पर या खलीफा के तकरर पर जहन में सोच में इस्तेहकाक के लिहाज से इख्तलाफ हो जाना, यहां तक तो एक तबी अमर है, कोई मजमूम बात नहीं है, मगर तर्ज अमल आप क्या बनाना चाहते हैं? इस्लाम ने किसकी इजाजत दी, किस से मना किया? मलाइका के तरीके की इजाजत दी इस्तिफसार, इबलीस के तरीके से रोक दिया वो इस्तिनकार है। मलाइका का जो इस्तिफसार था वो किस लिए था? ये बात आगे समझने वाली, एक और लफ्ज बोल रहा हूं, वो इस्तिफहाम के लिए था, बात को समझने के लिए।
इस्तेफाम के लिए, ताकि वो असल मसला की हकीकत को समझें। तो अल्लाह पाक ने जब समझाया वो समझ गए, बात खत्म हो गई। इस तर्ज अमल को इस्लाम ने पसंदीदा करार दिया है, उम्मत में यही रहना चाहिए। इबलीस का तरीका इस्तिनकार था, और वो इस्तिनकार की गरज क्या थी? इस्तिफहाम नहीं था, उसकी गरज इस्तिकबार था। दूसरा लफ्ज सुन लीजिए, उसके इस्तिनकार के पीछे गरज इस्तिकबार था, तकब्बुर था। तो उम्मत में तरीके इस्तिनकार, इनकार करना, इस्तिकबार करना, सब शितम करना, तनकीस करना, इस तरीके को उम्मत में मजमूम कर दिया गया। ये इबलीसी अंदाज फिक्र है, उम्मत को चाहिए कि इससे इज्तनाब करे। इस्तिफाम के लिए बात हो, इस्तिदलाल हो, इस्तेकाक का तज़किरा हो, समझ आ जाए, इस्तिग़फ़ार हो जाए, फिनिश। ये पसंदीदा तरीका है। ये तो एक एस्पेक्ट। दूसरी चीज, मैंने इख्तिताम पर अब जो तरीका बयान किया वो सीधना मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम का बयान, जहां वो राह हिदायत सजेस्ट करते हैं उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए। वो हवाला कल मैं दे चुका, आज उससे मैं इख्तिसार से एक दो नुक्ते, एक नुक्ता और नया अर्ज करना चाहता हूं, है उसी से रेलिवेंट, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। सीदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके खुतबात का मजमुआ जिसका मैंने जिक्र किया, नहजुल बलागा, ये अहले तशय्यो में शिया हजरात में सबसे मोतबर किताब है, क्योंकि मौला अली अल मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम और अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके खुतबात का मजमुआ है नहजुल बलागा। मेरे पास इस वक्त जो नुस्खा है, जहां से मैं हवाला दे रहा हूं, ये हमारा मेरा जाती हमारा नुस्खा है मकतबा कादरिया का, मेरे वालिद गरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वक्त से। और मैंने नहजुल बलागा 70s के अवायल में इसी नुस्खे से पढ़ी थी, 1969, 70, 71, 72 के ये जो 3-4 साल के जमाने में मैंने इस नुस्खे से पढ़ी है नहजुल बलागा, ये जो मेरा पढ़ा हुआ नुस्खा है, इस पर आज तक मेरे हाथ के रेफरेंसेस लगे हुए हैं। और ये नुस्खा अलहाज सैयद अली नकी फैजुल इस्लाम के फारसी तर्जमा और शरा के साथ है। हाज सैयद अली नकी फैजुल इस्लाम ईरान के आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े शिया आलिम, उन्होंने नहजुल बलागा का फारसी तर्जमा और शरा की है, यह नुस्खा उसके साथ है। और यह नुस्खा मेरे साथ हाथ में है, यह छपा हुआ है तहरान का, तहरान का छपा हुआ है, और सन तबात है इसका 1324, आज से 106 साल पहले का नुस्खा है ये। अब मैं आपको एक दिलचस्प लतीफा अर्ज करूं, यानी इल्म का कितना जवाल हो गया। अब ये नुस्खा मैंने लाहौर से अभी मंगवाया नहीं था, कनाडा में, तो मैंने कोशिश की कि यहीं से मिल जाए मुझे, तो मैंने भेजा अपने एक शागिर्द को, उनको भेजा, मैंने कहा कि जो शिया उलमा हैं और जो उनका उनका कोई मदरसा और मरकज है, उनकी इमाम बारगाह और उनके जो मकतबे हैं कुतुबखाने, वहां जाकर ये नुस्खा मालूम करके ले आए, मुझे ये चाहिए, अलहाज हाज सैयद अली नकी फैजुल इस्लाम की फारसी शरा के साथ असल मतन अरबी का नहजुल बलागा, ये लाएं। ये वापस आए हर जगह से घूम फिर के, सबको मिलकर उन्होंने कहा कि ये तो होता ही कोई नहीं, उसका है ही कोई नहीं। अब कोई अली नकी साहब शायद लखनऊ या इंडिया के भी एक आलिम हुए हैं, को मौजूदा दौर में कोई इंडिया के लखनऊ के भी कोई आलिम है शिया, एक नामवर आलिम है, गालिबन अली नकी या ऐसा कोई नाम है उनका, नामवर आलिम है,
उन्होंने कहा वो तो सिर्फ वो तो उनका है जो उन्होंने मुकदमा भी लिखा तर्जमा किया हुआ है, कोई हाज सैयद अली नकी और फैजुल इस्लाम नाम के कोई नहीं हुए और न कोई ऐसा नुस्खा है नाजुल बलागा का। तो ये बात सुन के मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। यानी आप अंदाजा कर लें कि सबसे मोतबर किताब है अपने मकतब फिक्र की, उसके कदीम मोतमद तरीन नुस्खों का ही इल्म नहीं है, तर्जमों पर जाके बात रह गई। यह मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जमा है नाजुल बलागा का, दुनिया में जहां जाए बस वही पढ़ा जाता है, उन्होंने वो भिजवा दिया तोहफतन। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख्वाहिश की कि मैं ज्यारत के लिए भी कभी मुलाकात के लिए हाजिर होना चाहता हूं सर आंखों पर, किसी वक्त इंशाअल्लाह मैं टाइम दे दूंगा मुलाकात का, तशरीफ ले आएंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जमा है या कोई और जो लिखे गए, बस उर्दू तर्जमों पर इक्तफा है। और ये जवाल इल्म का दोनों तरफ है, आप ये ना समझिए कि सिर्फ उनका हाल है, दोनों तरफ आलम यह सब तर्जमों पर चल रहे हैं इल्ला माशाल्लाह, सिवाय मुहक्किक असातिज़ा अच्छे उलमा के। और मैं ये कल्चर डेवलप करना चाहता हूं ओरिजिनल बुक्स के साथ शनासाई पैदा करें। अब ये नुस्खा है, इसमें इसके रेफरेंस से मैंने कोट किया था कि सैयदना मौला अली अल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम उन्होंने जो एक उसूल दिया, उसमें से एक नुक्ता मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। इस हवाले पर तफसीली गुफ्तगू मैं पिछली नशिस्त में कर चुका हूं। राह रास दिखाई है मौला अली अल मुर्तजा ने जब आपने फरमाया इस मशहूर खुतबा में सयाहले को फिया सिनफान मुहिब्बुन मुफरितुन यज़हबु बिहिल हुब्बु इला गैरिल हक व मुबग़िदुन मुफरितुन यज़हबु बिहिल बुग़्दु इला गैरिल हक। बाकी पूरा खुतबा कल मैंने पढ़ दिया था और उसकी तफसील असवादुल आजम की और जमात के हिसाब से कर दी थी। आज मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूं, सिर्फ आप जरा गौर करें इन अल्फाज पर। फरमाते हैं कि मेरी वजह से उम्मत मुहम्मदी में दो गरोह दो तबके गुमराह हो जाएंगे मेरी वजह से। एक गिरोह होगा मुहिब्बे मुफरित, मेरी मोहब्बत में इफरात करने वाला, और दूसरा गिरोह होगा मेरे बुग्ज में इफरात करने वाला। और फिर इरशाद फरमाते हैं ये जो मेरी मोहब्बत में इफरात होगा उसका ये मोहब्बत उसे हक के खिलाफ कर देगी। और उधर फरमाया यज़हबु बिहिल बुग़्ज़ु इला गैरिल हक, और ये जो बाज तबकों का एक दूसरा गिरोह जिसे बुग़्ज़ होगा मेरे साथ, ये बुग़्ज़ और उसका इफराद उसे हक के खिलाफ कर देगा। अब यहां मैं एक खास नुक्ता जिसका तज़करा इशारतन कल हुआ तसरीहन नहीं हो सका, सिर्फ वो जुमला दोहराने के बयान करने के लिए आज इतना हिस्सा दोहराया है। अब तवज्जो फरमाएं, जो बात फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत में इफराद के बायस तुम हक के खिलाफ हो जाओगे, हो एक तबका हो जाएगा, और एक तबका मेरे बुग्ज के बायस हक के खिलाफ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि उस वक्त कौन सा हक था जिसके खिलाफ हो रहे हैं? एक गिरोह मोहब्बत हुब्बे अली में हक के खिलाफ हो रहा है हुब्बे अली के इफराद में, और एक गिरोह बुग्ज़े अली के इफरात में हक के खिलाफ हो रहा है, दोनों गुमराह हो रहे हैं। एक गिरोह की गुमराही का सबब हुब्बे अली का इफरात बन रहा है, दूसरे गिरोह की गुमराही का सबब बुग्ज़े अली बन रहा है। यह गिरोह भी गुमराह हो रहा है और बुनियाद हुब्बे अली है, उसमें बढ़ते बढ़ते गुमराह हो गया, हक छोड़ दिया। ये दूसरा गिरोह भी गुमराह हो रहा है, बुनियाद बुग्ज़े अली है, बढ़ते बढ़ते गुमराह हो गया, हक को छोड़ गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि उस सिचुएशन को जरा ज़हन में लाएं जब आप खुतबा दे रहे हैं सिफीन का मौका, मैंने तफसील बयान कर दी थी खुतबा नंबर वगैरह सारा, सिफीन के बाद आपने खुतबा दिया। जो लोग फरमा रहे हैं मौला अली खुदा के मेरी मोहब्बत के बायस इफरात करके हक को छोड़ जाएंगे, ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो मौला अली शेर खुदा के साथ थे, उनके गरोह में थे। ये नुक्ता खास बयान करना चाहता हूं।
یہ ان کا لشکر تھا اور ٹائٹل وائز یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے. اب تمام کتب میں پڑھ لیں, تمام کتب میں پڑھ لیں, یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے, یہ محبان علی کہتے تھے. حضرت علی کی خاطر لڑ رہے تھے, کٹ رہے تھے, مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. بعض لوگ جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں, اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر دل ان کے حب علی سے خالی ہیں اور بغض علی کے بارڈر کے قریب قریب رہتے ہیں. یا بغض علی داخل ہو چکا ہے ان کے دلوں میں, یا بغض علی کی باؤنڈری پر رہتے ہیں, دعوے دار ہیں حب علی کے. وہ جب یہ میٹر آتا ہے تو یہاں چونکہ ڈنڈی مارتے ہیں, حق بیان نہیں کرتے. یہ بھی ایک سبب بنا ہے شیعہ حضرات کو صحابہ کرام پر جری ہونے کا, ان کی شان میں گستاخی کے لیے آگے بڑھنے کا. میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ شخص اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت سے خارج ہے. جو خلافت مرتضوی کے دوران, مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا, سفین کا یا دیگر, جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا, صف آرا ہوئے, آپ کے مد مقابل ہوئے, جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے, وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتوریدی تک, امام تہاوی تک, امام نصفی تک, اور آج شیخ عبدالحق مدس دہلوی اور ہمارے اکابر تک, 1400 سال امام بہکی تک الاعتقاد, امام شارستانی, الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے, یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ, 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی, اشاعرہ ہوں یا ماتوریدیہ ہوں یا شرح عقائد نصفی ہو یا آج تک جو کتاب لکھی گئی, اور فقہا تھے, آئمہ تھے, محدثین تھے, آئمہ عقیدہ تھے, سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے. اور ان کی مخالفت کے لیے لفظ خروج یا بغاوت استعمال کیا ہے. اب میں ایک ایک کتاب کا حوالہ کیا دوں آپ کو, یعنی میں نے آپ کو ایک بنیادی بات کہہ دی, جو ریفرنس جس کتاب کو چاہ کے اٹھا کے دیکھ لیں, ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی, کسی ایک کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتفاق سے بھی میرے سامنے امام بیہقی کی نامور کتاب الاعتقاد آ گئی, میرے ہاتھ میں ہے, الاعتقاد والہدایت الی سبیل الرشاد, امام بیہقی کی, اتفاق سے اس وقت میرے سامنے ہے. اب وہ فرماتے ہیں, ان کا لفظ ہے, وَأَمَّا خُرُوجُ مَنْ خَارَجَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَعَ آلِ الشَّام فِي طَلَبِ دَمِ عثمان وَمُنَازَاتِهِ اِيَّاهُ فِي الْإِمَارَةِ. اس طرح پھر آگے طویل صفوں در صفات تک پورا کا پورا اس کو, اِنَّ الَّذِي خَارَجَ عَلَيَّ وَنَازَهُ كَانَ بَاغِيًا عَلَيْهِ وَقَدْ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر عمار ابن یاسر بان الفئه الباغیہ تقتلوا. الغرض صفحات بھرے ہوئے ہیں جو امام بیہقی نے بیان کی, اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا, ہر کتاب اٹھا لیں, صاحب ہدایہ امام مرغینانی کو اٹھا لیں. تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں, جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ, وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ, ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا, حق چھوڑ دے گا, ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا. اب سوال پیدا ہے, یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا, وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا.
और जिनकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जो मेरे बुग्ज के बायस गुमराह हो जाएगा, वो इशारा फरमा रहे हैं खवारिज की तरफ, जो आपके लश्कर से निकल गए, जो तहकीम को नहीं मानते थे और उन्होंने मौला अली शेर खुदा पर कुफर का फतवा किया और आपके खिलाफ जंगें शुरू कर दी। ये नहजुल बलागा के खुतबे के उनवान में भी खवारिजीन का जिक्र आया है, इस खुतबे के टाइटल में भी वाज तौर पर निशानदेही कर दी। एक तबका वो है आपसे मोहब्बत करने वाला, जो शियान अली कहलाते हैं, जो आपके साथ हैं। उस वक्त वह अहले सुन्नत ही थे, उस वक्त तमीज नहीं थी अहले सुन्नत और अहले तशय्यो की, सुन्नी शिया की तमीज नहीं थी, वो सब सहाबाए कराम थे और ताबईन थे, मगर आपके मुहिम थे। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये जब आपने फरमाया मेरी मोहब्बत की वजह से एक गिरोह गुमराह होगा और मेरी मोहब्बत का इफरात उसे हक छोड़कर गुमराही तक ले जाएगा, वो इशारा किसकी तरफ है? वो ये फरमा रहे थे कि मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। यही हुआ। ये सारी तारीख जो बनी हुब्बे अली के इफरात में बनी, और जो जो इफरात बढ़ता गया, ज्यादती बढ़ती गई, सहाबा कराम पर तान और तशनी चली चलती रही। इससे मौला अली शेर खुदा ने मना फरमाया था कि मेरी मोहब्बत, ऐ मेरे लश्कर, ऐ मेरे हिमाती हिमायती हो, ऐ मेरी मोहब्बत में मेरे साथ लड़ने वाले, मुझे हक पर समझने वालों, मेरे साथ तलवारें नियाम से निकाल कर चलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जब इख्तिलाफात बढ़े, आप देख रहे थे बनु उमैया का दौर शुरू हो चुका था और होने वाला था कि बनु उमैया के दौर में छोकरे, बनु उमैया के लौंडे, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उगैलमा मिन कुरैश, उबाश लड़के, और उस दौर के खतीब और उस दौर के कई लोग गैर मुहतात, जुबान दराज, वो सैयदना अली शेर खुदा को सब शितम करेंगे, अहले बैत अतार के खिलाफ जुबान दराजी करेंगे। देख रही थी निगाह अली, निगाह मुर्तजा देख रही थी कि मेरे खिलाफ जब एक नई हुकूमत कायम हो जाएगी तो उनमें कई लोग निचले लोग सब शितम करेंगे, मुखालफत करेंगे, मेरे फजाइल और मनाकिब पर पाबंदी होगी, अहले बैत की शान के खिलाफ बोलेंगे और ये बढ़ेगा। बनु अब्बास में भी यही हुआ, बनु उमैया में तो ओपनली होता था और बनु अब्बास में खलीफा अबू जाफर अल मंसूर मोहब्बत अहले बैत के नाम पर इक्तदार में आए, ये लोग बनु अब्बास। वाकया करबला का बनु उमैया से इंतकाम लेने के लिए इन्होंने तमाम मुहिब्बान अली और अहले सुन्नत और पूरी उम्मत जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी उनकी हमदर्दियां ली, वाकया करबला के नाम को एक्सप्लॉइट किया, अहले बैत की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट किया, इकट्ठा किया और करके इख्तदार में आए बनु अब्बास, और फिर मारा, 1.25 लाख या उससे भी ज्यादा लोग कत्ल किए ताकि इत्मीनान बैठ जाए कि ये अहले बैत के मोहब्बत करने वालों की हुकूमत आ गई है, और लोगों को धोखा देने के लिए अपना लिबास भी, जुब्बा भी काला रखा, बनु अब्बास के खुलफा काला लिबास पहनते, इमामा भी काला रखा, झंडा भी काले रंग का रखा, ये बनु अब्बास के खुलफा जब आए, चूंकि यूट एक्सप्लॉइट किया था मोहब्बत अहले बैत का नाम, लेकिन जब मुस्तहकम हो गए, उनकी जड़ें मजबूत हो गई, ये हुक्मरान और सियासतदान जो असल सियासतदान होते हैं वो किसी के मुखलिस नहीं होते, जब इनकी जड़ें मजबूत हो गई, हुकूमत मुस्तहकम हो गई, तो फिर बनु उमैया ने तो एक इमाम को शहीद किया था, इमाम हुसैन को करबला मुअल्ला में, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और नफ्से ज़किया कुछ लोग निकले थे, मगर जब बनु अब्बास की जड़ें मजबूत हो गई तो अहले बैत का नाम लेकर इक्तदार पे आने वालों ने कई आइम्मा अथार अहले बैत को शहीद किया, मदीना तैयबा से ले गए इमाम मूसा काजिम को और कई आइम्मा को कैद करके कई ले गए बगदाद, किसी को कैद खाने में रखा, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जहर पिला दिया, इमाम अली रजा को कैद खाने में तूस में ईरान में रखा और वहीं शहीद हो गए, ये बनु अब्बास का वतीरा था।
चूंकि आले बैत के खिलाफ बनो मैया के अंदर यह अमल शुरू हुआ बुग्ज का, मुखालफत का, सब शितम का, और इसी को यूटिलाइज किया बनू अब्बास ने और आइमा अतार आले बैत को शहीद किया। अब वो खास मैं वजाहत कर रहा हूं किस तरह इशारा फरमा रहे हैं मौला अली शेर खुदा, फरमा रहे हैं चूंकि इन्होंने उनको खतरा था अहले बैत से, चूंकि खिलाफत इमाम हसन मुज्तबा ने मुसालहत की थी हजरत अमीर मुआविया से, और उस मुसालहत के तहत खिलाफत फिर वापस इमाम हसन मुज्तबा को जानी थी, न हो सका। यजीद लईन की जानशीनी हो गई, किसी को खबर न थी, और हजरत अमीर मुआविया तस्वर भी नहीं कर सकते थे चश्मे ख्याल में कि यह बदबख्त इतना बदबख्त होगा कि वाकया करबला तक जा पहुंचेगा। वो फासिक था, फाजिर था, शराबी था, बदकार था, सारी खराबियां जरूर थी, मगर यह तस्वर कोई नहीं कर सकता था कि नौबत यहां तक आएगी कि इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार को शहीद करके करबला में उनके मुकद्दस सरे नेजों पर उठाए जाएंगे सरों को, इतना बदबख्त यहां तक पहुंचेगा, उनकी शहादत से, उनके खून से भी अपना मुंह रंगने से बाज नहीं आएगा, यह तस्वर कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने मना भी किया था उनसे तारुज न करना, उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार न करना, मगर वो बदबख्त फासिक मुनहरिफ नाफरमान हर एक का नाफरमान था। चूंकि इतना बड़ा वाकया पेश आया तो रद्द अमल हुआ, अहले बैत की मोहब्बत और दिलों में बढ़ी और रद्द अमल हुआ, फिर बनू अब्बास में आइमा अतार शहीद होते गए, रद्द अमल बढ़ता गया। उस रद्द अमल की तरफ इशारा कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा कि देखो अहले बैत अतार पर मजालिम होंगे, जबर होगा, वो कैद होंगे, शहीद किए जाएंगे, जिला वतन किए जाएंगे, बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम मेरी मोहब्बत की वजह से इफराद का शिकार होकर कहीं उन मजालिम की बुनियाद पर ऐसे रद्द अमल में ना चले जाना कि तुम असल जालिमों की गिरफ्त करने की बजाय सहाबाए कराम पर जुबाने खोलने लग जाओ और खुलफाए राशिदीन पर जुबाने खोलने लग जाओ और वहां तक जा पहुंचो जो आकल इस्लाम के महबूब थे, मुकर्रब थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जानिसार थे, जो ताजदार कायनात के सच्चे वफादार थे, जो मेरे भाई थे, हमने मिलके जिंदगियां गुजारी थी, हिजरत की थी, जहाद किए थे, तन मन धन लुटाए थे, कहीं उन पर तुम्हारी जुबानें न खुल जाएं, कहीं उनकी गुस्ताखी न करने लगो, उन पर तान न करो, उन पर सब शितम न करो, खुलफाए राशिदीन तुम्हारा टारगेट न बन जाए। वो इशारा ये कर रहे थे कि देख रहे थे निगाह से कि क्या कुछ होने वाला है बाद अज़ां, मगर कहीं उसके रद्द अमल में, रिएक्शन में, रिवेंजफुल होकर तुम उसके रद्द अमल में इफरात हद से ना बढ़ जाना। और हद से बढ़ने का मतलब है वो जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार और कसूरवार नहीं होंगे, वो अजल सहाबाए कराम खुलफाए राशिदीन, कहीं उनकी गुस्ताखी की तरफ ना आ जाना, उन पर तोहमतें ना लगा देना और तुम्हारी जुबानें उनकी तोहमतों के लिए ना खुल जाए, ये फरमा रहे थे। और दूसरी तरफ फरमाया खारजियो, क्योंकि खबारिज की तरफ दूसरा खिताब है, तुम याद रखो मेरा बुग्ज तो तुमने अपना शेवा और वतीरा बना लिया है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बुग्ज, मेरा बुग्ज तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अहले बैत के साथ दुश्मनी और अदावत पर ना उकसा दे और ये बुग्ज पूरा बुग्ज अहले बैत में ना बदल जाए। अगर बुग्ज अहले बैत हो गया तब भी गुमराह हो जाओगे, और अगर तुम्हारे दिलों में बुग्ज सहाबा के बीज बोए गए तब भी गुमराह हो जाओगे। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान, आज यही शाख्साने हैं, यह बुग्ज अहले बैत है कहीं तो वो खारजी अलामात हैं, नमूने हैं, बकाया जात हैं, खवारिज के बकाया जात हैं, यह बुग्ज सहाबा है, ये अलामतें हैं उसी चीज की जिसको मौला अली शेर खुदा ने मना किया था। और इसलिए फरमाया कि तुम न इधर जाना मोहब्बत में इफरात में, न बुग्ज की तरफ जाना, अन्नमतुल औसत पे रहना दरमियानी राह पर, और ये अज़म उस सवाद अल आज़म,
یہ امت محمدی کا سب سے بڑا طبقہ ہوگا، مین سٹریم ہوگی سب سے بڑا طبقہ، عددی اکثریت کا جو قیامت تک حضور کی امت میں رہے گا، ان کے ساتھ لگے رہنا۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر رہے گا۔ یہ دو باتیں جو سیدنا مولا علی شیر خدا نے کی۔ اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف جس کا تذکرہ آج کی گفتگو کے شروع میں کیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر نزاع ہو جائے تو حل کیسے کرنا ہے۔ دو مکاتب فکر میں، دو علماء میں، دو طبقات میں اگر اختلاف ہو جائے، علمی، اعتقادی، فکری، فقہی، نظری، تو اسلام نے اسے حل کرنے کا صاف ظاہر ہے کوئی طریقہ دیا ہوگا۔ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ، انہیں اخلاص ہے اور اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کے سچے طالب ہیں، تو پھر وہ رفع نزاع کے لیے اور اختلاف کے حل کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے دیا۔ سو وہ حل قرآن مجید نے دے دیا، اس کا ایک فارمولہ ہے جو سورہ نساء کی آیہ کریمہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تین مصادر بیان کیے قرآن مجید نے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اس کا اشارہ قرآن کی طرف، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ رہنمائی اور ہدایت قرآن سے اخذ کرو، اللہ کی اطاعت یہ رجوع الی القرآن ہے، اور قرآن سے حکم حاصل کرو، قرآن سے حجت لو۔ یہ بات اس سے طے ہو گئی کہ اسلام میں جتنے دلائل شرعیہ ہیں اور حجج شرعیہ ہیں ان سب پر سب سے بلند اور بالا اور اول حجت قاطعہ قرآن ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر قرآن سے کوئی چیز حل نہ ہو اور اس کی وضاحت میسر نہ آئے، تفصیل نہ ملے، یہ قرآن کا حکم اجمالی ہو اور وضاحت درکار ہو، تو پھر رسول کے حکم کو حجت مانو اور رسول سے ہدایت لو۔ یہ اشارہ ہے رجوع الی السنہ۔ دوسرا مصدر اور دوسری اصل حجت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنن اور آپ کی احادیث مبارکہ، یہ قاعدہ بیان کرتی۔ تیسرا فرمایا وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا اس حکم کا تکرار نہیں کیا، وہ اولی الامر منکم کو اطیعوا الرسول کے تابع کر دیا، یہ حکم تابعیت میں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ایبسلیوٹ، انکنڈیشنل، انکوالیفائیڈ اور انچیلنجبل نہیں ہے۔ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے، مشروط ہے، منحصر ہے کسی اطاعت پر، کسی کے حکم کے ساتھ موافقت پر، کسی کی حجت کے ساتھ مطابقت پر منحصر ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ مطابقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بات کریں تو قبول کرو، اگر ان کی بات ان کے خلاف ہو تو ہرگز قبول نہ کرو۔ اب یاد رکھ لیں کہ اب اولی الامر کو میں تفصیل میں، چونکہ میں اولی الامر کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اولی الامر کون ہے، تو جیسا معاملہ ہو ویسے اولی الامر ہوں گے۔
इस वक्त बात चूंकि इल्म की, अकीदा की, उमूर दीन की हो रही है, तो इल्म, अकीदा और उमूर दीन के बाब में उलिल अम्र अहले इल्म होंगे जिनको दीन के इल्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसूक अता किया, पुख्तगी अता की, रसूख अता किया, जो रासिखून फिल इल्म है, अकीदा में, इल्म में, दीन में, फिक्ह शरीयत में। अब इसकी अलग अलग ताबीरात हैं। शिया हज़रात जब ताबीर करते हैं अपनी किताबों में तो उलिल अम्र से मुराद सिर्फ आइम्मा अतहार अहले बैत लेते हैं, ये उनकी ताबीर है। मगर मैं चूंकि दोनों को बयक वक्त एड्रेस कर रहा हूं, पूरी उम्मत को, और मैंने कल भी अपनी पहली नशिस्त में अर्ज कर दिया था कि मेरी हैसियत मुनाजिर की नहीं, मुनसिफ की है। मैं एक एडजुडिकेशन कर रहा हूं, जज के तौर पर मुनसिफाना बात कर रहा हूं। वो इस्तदलाल ये करते हैं, उलिल अम्र से मुराद वो आइम्मा अतहार अहले बैत लेते हैं जिन्हें आइम्मा मासूमीन का टाइटल दिया जाता है, मगर कोई वजह इस ताबीर और इस तशरीह की और इस तफसीर की कोई दलील, कोई वजह नहीं है कि इसको खास किया जाए सिर्फ आइम्मा अतहार अहले बैत के साथ। कुरान मजीद के पूरे इस मुकाम के सियाक व सबाक में कोई वजह तख़सीस नहीं है। अहले इल्म समझें इस बात को, अहले तशय्यो हैं, अहले सुन्नत हैं, जितने भी हैं, जो भी जो बात जिससे रेलिवेंट हो रही है वो समझे। ये एक तफसीर भी राय है, चूंकि माइंड सेट जिसका पहले से कायम हो, पहले से, तो अपने तैयार शुदा जेन के साथ जब कुरान को पढ़ेंगे तो आप कुरान पर हाकिम बन जाएंगे, कुरान पर काजी होंगे, यानी कुरान की बात आप अपने माइंड सेट के मुताबिक उसका माना मुतय्यन करेंगे। और अगर पहले से तयशुदा माइंड सेट न हो और जहन कुरान की बात को कुरान ही के सियाक व सबाक में समझने के लिए तैयार हो, ओपन माइंडेडनेस के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ, फिर समझने का अंदाज कुछ और हो जाता है। तो मैंने अर्ज किया आइमा अतहार अहले बैत, खास उनको उलिल अम्र समझना इस पूरे कुरान मजीद के इस मुकाम के सियाक व सबाक में कोई वजह तरजीह और वजह तख़सीस नहीं है कि खास उनको मुख्तस क्यों किया जाए। ये हुक्म आम है उलिल अम्र, उसमें खुलफा भी हैं, मगर चूंकि मशरूत है तो साफ ज़ाहिर है अगर खुलफा हैं तो अगर वो दीन और इस्लाम और किताब सुन्नत और अल्लाह उसके रसूल के आकाम के खिलाफ फैसला देंगे तो उनकी इताअत वाजिब नहीं होगी। हुजूर सलाम ने फरमाया ला ताअत लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, अगर अल्लाह रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी का हुक्म दे तो किसी हुक्मरान और किसी खलीफा और किसी हेड की, हाकिम की इताअत वाजिब नहीं होती। इन्नमत ताअतु फिल मारूफ, इताअत सिर्फ मारूफ उमूर में होती है, यानी अल्लाह रसूल की मुताबिअत में होती है, यह शर्त है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वाव आतिफा जो है उसके बाद इताअत पर, इस अमर पर वाव आतिफा लगाई, दो इताअतों को अलग करके तकरार से उलिल अमर के साथ वो जो हुक्म है अतीउ का सादिर नहीं किया, उसको अतीउ रसूल के ताबे रखा, अतीउल्लाह और अतीउ रसूल के ताबे कर दिया। तो कुरान ने वाजे कर दिया कि उलिल अमर जो भी होगा, खा वो खुलफाए वक्त हो, खा उमराए वक्त हो, खा वो आइम्मा फिक हो, यहां तक कह रहा हूं, खा वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं, मैं हनफी हूं, कल मैंने बताया था, खा वो इमाम मालिक हैं, कोई मालिकी है तो उसे भी मालूम होना चाहिए, खा वो इमाम शाफी, खा वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इसी तरह खा वो इमाम मोहम्मद अल बाकिर, खा इमाम जाफर अल सादिक, कोई हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हमली हो या जाफरी हो, किसी को तख़सीस नहीं है कि उसकी इताअत को इताअत मुतलका बना दिया जाए अल्लाह अल्लाह के रसूल के बराबर। ये कुरान मजीद की नस के खिलाफ है। उलिल अम्र की जो चाहे ताबीर कर लें,
मेरे नजदीक सारी ताबीरात इसके अंदर आती है, यानी अइमा अतार अहले बैत भी उलिल अम्र हैं, ये मेरा अकीदा है, इल्मी बात कर रहा हूं ठोस, कोई रद्द नहीं कर सकता इसको। अइमा अतार अहले बैत भी उलिल अम्र हैं, और खुलफाए राशिदीन भी उलिल अम्र हैं, उनसे पहले वो तो बाद में आए, खुलफाए राशिदीन भी उलिल अम्र हैं। इल्मी मामला हो तो जलीलुल कदर सहाबाए कराम भी उलिल अम्र हैं, जो मारूफ बिल इल्म वल इज्तिहाद थे, जलीलुल कदर सहाबा जो मर्जा थे इल्म के, जो फतवा देते थे, इज्तिहाद करते थे, जिनको काजी बनाया गया, जिनको हाकिम बनाया गया, जो कुरान और सुन्नत और फिक्र शरीयत के माहिर थे, और सहाबाए कराम को हुक्म था कि इनकी तरफ रुजू करो, वो भी उलिल अम्र में है इल्म के बाब में। इस तरह जलीलुल कदर ताबईन जो पूरी उम्मत के मराजे इल्म थे, और हजारहा अतबा ताबईन और तनामिजा उनकी मजलिस में बैठ के दीन सीखते हासिल करते थे, वो भी उलिल अम्र थे। और आइम्मा अरबा फिक्र के, ये तो फिर उनके बाद आए, तो फिका के आइम्मा सारे आइम्मा फिक्र वो भी उलिल अम्र हैं, आइम्मा अतहार अहले बैत भी जमी उलिल अम्र हैं। फिर उसके बाद बड़े अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन फुकहा मुज्तहिदीन मुहक्किकीन असातिज़ा जमी उलमा जिन्होंने इल्म में तहकीक की, इज्तिहाद किए, तशरीहात की कुरान और सुन्नत की, वो भी उलिल अम्र में हैं, वो अम्र इल्मी है, कहीं अम्र खिलाफत है, अम्र इमारत है, कहीं अम्र इल्म है, कहीं अम्र अकीदा है। फिर जो जो जिस बाब में मुतखसिस और स्पेशलाइज था वो उस बाब में उलिल अम्र है, औलिया उलिल अम्र हैं, औलिया अतकिया सूफिया सालहीन वो भी उलिल अम्र हैं, अम्र रूहानियत में, अम्र तरीकत में, अम्र सलूक में, अम्र मारिफत में, अम्र रुश्द में, वो भी उलिल अम्र हैं। हत्ता के जिसको अथॉरिटी आपकी जिम्मत मिल जाए आपकी गवर्नमेंट में, तो वो भी अपने मातहतों के लिए उलिल अम्र है, ये भी एक दर्जा है। तो उलिल अम्र एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, इताअत का एक सिस्टम है, एक निजाम इमारत है उलिल अम्र। अब मैं इस निजाम इमारत की वजाहत में अर्ज कर रहा हूं, जो भी उलिल अम्र हो उसकी बात उस तरह मुतलकन हुज्जत नहीं है जैसे अल्लाह के रसूल की बात मुतलकन हुज्जत है। सुन्नत का दर्जा, रसूल के हुक्म का दर्जा अपनी हुज्जियत में कुरान के बराबर है। बाज लोग जिनकी नजर बड़ी दकीक नहीं है उलूम पर और फनून पर, शायद वो चौंकें, तो उनका चौंकना गलत है, वो इसलाह करें मेरी बात सुनकर। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल हुज्जियत में असलन किताब यानी कुरान की हुज्जियत के बराबर है। इस पर आइमा हदीस ने उसूल हदीस की किताबों में बाब बांधे हैं, अत तस्वीयत बैना हुज्जियत किताब बिल्लाह व हुज्जियत सुन्नत रसूलिल्लाह, अत तस्वीयत बैना किताब बिल्लाह व सुन्ना बैन अल किताब व सुन्ना। खतीब बगदादी ने और बड़े आइमा ने बाब कायम किए हैं उसूल हदीस की किताबों में, बराबरी है सुन्नत रसूल की हुज्जियत और किताबुल्लाह कुरान की हुज्जियत। असल में ये कुरान की इस आयत से साबित है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अपनी असल हुज्जियत में, हुज्जियत असलिया में, हुज्जियत मुतलका में, हुज्जियत कातिया में कुरान से कम नहीं है, बराबर है। इसलिए आइम्मा इमाम अहमद बिन हंबल और उनसे पहले ताबईन अतबा ताबईन कहा करते थे कि असुन्नत कादियतुन अला किताबिल्लाह, कि सुन्नत अल्लाह की किताब कुरान पर काजी फैसला करने वाली है, यानी कुरान में अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसकी तशरीह सुन्नत से लेते हैं, और अगर सुन्नत की बात समझ में ना आए तो कुरान तो पहले उसका इजमाल होता है। तो ये एक अलग बहस है, इसलिए फरमाया कि अल्लाह अल्लाह के रसूल दोनों का हुक्म हुज्जत है बराबर। अब आप कहेंगे तो ये तो माजल्लाह फर्क ना हुआ, नहीं फर्क है, फर्क हुज्जियत असलिया में नहीं, फर्क मराते में हुज्जियत में है। कुरान की हुज्जियत मरतबे में पहले
سنت کی حجیت مرتبے میں بعد، یعنی پہلے قرآن کو لیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو سنت رسول کو لیں گے۔ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے مگر سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ رتبے میں سنت بعد میں آتی ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے، اور کتاب کا قرآن کا درجہ پہلا ہے۔ درجے میں، مرتبے میں، رتبے میں، تدریج میں، مگر جہاں تک تعلق ہے نوعیت حجیت کا، حجیت کی نوع کون سی ہے، اصلیت حجیت کا، وہ جیسے اللہ کے کلام قرآن کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق، مشروط نہیں، اسی طرح رسول کے حکم کی سنت کی حجیت مطلق ہے، علی الاطلاق ہے، مشروط نہیں، اف اور بٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس پر اتفاق ہے جمیع ائمہ فن کا، ائمہ علم اور ائمہ حدیث کا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں سنت کو حدیث کو تب مانوں گا اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، حضور کی کسی حدیث یا سنت کو اس شرط پہ مانتا ہوں اگر وہ قرآنی آیت کے مطابق ہو، اتنے جملے سے وہ کافر ہو جائے گا، کہ اس نے سنت رسول کی حجت اصلیہ کا انکار کر دیا ہے اور مشروط مانا ہے۔ اگر قرآن سے موافقت ہو تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اطاعت حکم رسول کی نہیں کر رہا، وہ اطاعت قرآن کی کر رہا ہے، حکم رسول کی اور سنت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو مانوں گا، تو اس نے تو گویا قرآن ہی کو مانا نا۔ پھر یہ فائدہ ہے اس آیت کریمہ کا، علمی مفاد، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو، دونوں اللہ اور رسول دونوں کے لیے اطیعو کا جو صیغہ امر ہے اس کو الگ الگ لانے کا، دونوں علل اطلاق ہیں، دونوں علل استقلال ہیں، دونوں اطاعت مستقل ہیں، مشروط نہیں ہے، ایک دوسرے پر منحصر نہیں، اور دونوں مطلق ہیں، مقید نہیں۔ اب یہ سارا اطلاق، یہ سارا استقلال ختم ہو جاتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں جا کر۔ وہ اولی الامر خواہ خلفاء راشدین تھے، خواہ ائمہ اطہار اہل بیت تھے، خواہ ائمہ فکر مجتہدین تھے، خواہ علماء اولیاء اور صالحین تھے۔ امت پہ جب آتا ہے صحابہ کرام سے لے کے آج تک، جس درجے کا جو بھی اولی الامر ہوگا اس کے امر اور حکم کو تابعیت میں تسلیم کیا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت میں ہے تو قبول ہوگا، اگر کتاب و سنت اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ۔ اس میں اتنی بات سمجھا دوں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اولی الامر ہیں، وہ ان کا فہم، ان کا علم، ان کا درک، ان کی معرفت دین کی، اور ان کا احاطہ علوم پر، روایات پر، احادیث پر، اور دین کی اصول اور فروع پر ہم سے کروڑوں درجے زیادہ تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شک ان کی عبارت کو پڑھیں اور آپ اپنے چھوٹے سے جو دماغ دانی ہے، دماغ دانی اور جو سمجھ دانی ہے، سمجھے اس کے مطابق یہ تو حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، ان کی نظر میں تھی۔ یہ ایک اگلا ایک مرحلہ ہے کہ ایسے بے دھڑک اور ایک بڑی جوان مردی کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، بڑے بڑے اکابر کے کلام کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں کہہ دینا چاہیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آج کل کے دور میں آپ ٹی وی پر کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور سیکولر مائنڈڈنیس آ گئی ہے۔ ہم نہیں مانتے غوث العظم کو، ہم نہیں مانتے امام سیوطی کو، ہم نہیں مانتے داتا گنج بخش علی جوہری کو، ہم نہیں مانتے کسی امام قسطلانی کو، ہم نہیں مانتے ابن حجر عسقلانی کو، ہم نہیں مانتے امام فلاں کو، امام رازی کو، ہم نہیں مانتے کسی بغوی کو، ہم نہیں مانتے کسی خازن کو، ہم نہیں مانتے امام رازی کو، ہم نہیں مانتے ائمہ فقہ کو، ائمہ اربعہ کو، ہم نہیں مانتے تہاوی کو، ہم نہیں مانتے نسوی کو، ایک قطار ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں صرف کتاب و سنت کو۔ اللہ کے بندو، یہ سارے نام جو گنوائے، انہوں نے امت کو بتایا کیا؟ کتاب و سنت ہی تو سمجھائی ہے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی نیا مذہب بنا کے دیا ہے؟ کتاب و سنت ہی سے احکام اخذ کر کے، مرتب کر کے امت کو دے دیا، اس کا نام فقہ ہے۔ امام مالک نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ حضور کی حدیث اور سنن سے احکام جمع کر کے بنا دیے، اس کو فقہ مالکی ان کے شاگرد کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟
आईमातार अहले बैत ने कोई नया मजहब बनाया था? नहीं, आका अलैहिस्सलाम ही के आकाम सुनन और अल्लाह के आकाम ही को बयान करके उम्मत को दिया है। ये उनकी तशरीह करते थे, तौजीह करते थे, और 1400 साल तक आईमा अकाबिर मुहद्दिसीन शारहीन औलिया सूफिया अपने अपने मैदानों में उसी किताब सुन्नती की तशरीह करते रहे हैं। और उन आईमा फिक्र के अकवाल हैं, इमाम आजम ने फरमाया दर्जनों मरतबा, इमाम शाफी ने फरमाया दर्जनों मरतबा, अगर हुजूर की हदीस हदीस सही मेरे कौल के खिलाफ हो तो मेरे कौल को फेंक दो, मगर फेंकने से पहले ये, अब ये फेंक दो एक जुमला हाथ में पकड़ लिया और हर बंदा फेंकने के लिए बैठा हुआ है, चार किताबें नहीं पढ़ी। सोचे तो सही कि आपका सतह इल्मी क्या है, मुताला कितना है। वो आपके घर चले जाएं अगर और आपकी लाइब्रेरी को देख लें, वहीं से आपका मुताले का अंदाजा हो जाएगा कितना कुछ जमा कर रखा है। ये इमाम 10-10 लाख हदीस के हाफिज थे, 6-6 लाख हदीस के हाफिज थे, और कोई जखीरा कोई मंबा चश्मा इल्म का किताब सुन्नत का ऐसा नहीं छोड़ते थे जहां तक उनकी दस्तरस न हो तब बात करते थे। उनकी बात को ऐसे ही किताब सुन्नत के खिलाफ कह के रद्द करना ये अपनी कम आएगी है, कम इल्मी है। मालूम करना चाहिए कि उन्होंने ये कहां से ली, वसी मुताला हो तो फिर आदमी ये बात कर सकता है कि हां खिलाफ। मैं अभी यहां पिछले 5 साल से या 10 साल के करीब 8 साल के करीब से हदीस का जखीरा सबसे बहुत बड़ा जामे उस सुन्ना तैयार करने में मसरूफ हूं। 30,000 अहादीस के लगभग जो 20 जिल्दों में होगा, 20 जिल्दों में 30,000 अहादीस का जखीरा जामे उस सुन्ना। मैं इस सिलसिले में अहादीस का मुताला करते करते को 3 लाख से ज्यादा अहादीस अपनी नजर से गुजार चुका हूं, 3 लाख से जायद अहादीस। वो मैं खंगाल चुका हूं। तो 3 लाख से जायद हदीस का मुताला करके मैं अभी इल्म हदीस के समुंदर के किनारे पर बाहर खड़ा हूं, अभी मेरा पांव भी नहीं डूबा, गीला नहीं हुआ। अभी इल्म हदीस के समुंदर के किनारे पर खड़ा हूं, शायद एक कतरा ही मिला है। तो इंसान को मुनसिफ मिजाज होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं कि हर बात को कह दिए किताब सुन्नत के खिलाफ है। आपने पढ़ा क्या है किताब सुन्नत का? तो ये बात अलग कर दी मैंने। तो अर्ज ये कर रहा था कि उलिल अमर तीसरा तबका है। तो पहला कायदा ये है कि कुरान से फैसला लें, फिर हदीस रसूल से फैसला लें, फिर उलिल अमर आते हैं। और उलिल अमर में हम सबसे ऊंचे दो तबकात ले लेते हैं, सबसे ऊंचे एक सहाबा कराम और एक अहले बैत अतहार, बस आगे नीचे नहीं जाते। ये कायदा बन गया कि अगर इख्तलाफ हो तो उसको हल कैसे करना है, अव्वलन कुरान से, फिर हदीस रसूल से, और नहीं तो फिर तीसरा उलिल अमर को सिर्फ हम दो तबकात तक अपने इस मौजूदा जो मौजू जेर गौर है इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, फिर सिर्फ सहाबा कराम और अहले बैत अतहार आइम्मा अहले बैत, इन दो तक महदूद कर लेते हैं आसानी के लिए। तो गोया 3 दर्जे बन गए। अब यहां जो बात आगे कहना चाहता हूं, ये उसूल कुरान मजीद ने कहा, ये भी फरमाया इस मुकाम पर, और आगे फरमाया फइन तनाजअतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल। अब अगर तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए, और इख्तलाफ है, अब जब दूसरे जब आते हैं कुरान के बाद तो किताबें ही अलग हो गई हैं। जब अहले तशय्यो को हवाला देंगे बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमजी में, नसाई में, इबन माजा में, मुवत्ता इमाम मालिक में, मुसनद इमाम आजम अबू हनीफा में, मुसनद शाफी में, मुसनद अहमद बिन हम्बल में, मुसनद अबू उवाना में, मुसनफ अब्दुल रजाक में, मुसनफ इबन अबी शैबा में, अलगरज तबरानी बेहकी तक आप जब सारी कुतुब के नाम लेंगे वो कहेंगे हम इनमें से एक को ही नहीं मानते, ये सुनियों की किताबें। मैं अब दुश्वारी बता रहा हूं इस पूरी नस्ल को, अगली नस्ल को, अहले इल्म को भी और नए समझने वाले लोगों को भी।
उन्होंने एक बात कह दी कि ये अहले सुन्नत की सुन्नी किताबें हैं, मानते ही नहीं इनको। माइंड सेट हो गया ना बिल्कुल। इस पर गुफ्तगू आगे आएगी एक सीरीज में कि अहले सुन्नत की जो किताबें हैं हदीस की, अहले तशय्यो को वो माननी चाहिए या नहीं, उसकी क्या हैसियत है उनकी, ये मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, उन किताबों की हैसियत क्या है। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अब इख्तलाफ हो गया इतना, उन्होंने कह दिया ये सुन्नी किताबें हैं हदीस की, उनकी रिवायतें हैं, सहाबा कराम से हैं, हम तो सहाबा कराम को ही नहीं मानते माजल्ला, उनको अक्सरियत को मदूद है चंद एक के, तो हम उनकी रिवायतों को भी नहीं मानते, लिहाजा वो अहले सुन्नत की कुतुब हदीस, तो शिया लोग एक तरफ कर देंगे, नहीं मानेंगे। तो इसी तरह जब शिया लोग अपनी किताबें बयान करेंगे तो अहले सुन्नत कौन मानेगा और वो क्यों मानेगा, तो वो अहले सुन्नत की कुतुब हदीस नहीं मानेंगे। जो दूसरा सोर्स था मैं बता रहा हूं, जो अतीउ रसूल पर, उस पर अमल इस इख्तलाफ ने मुअत्तल कर दिया, क्योंकि शिया हजरात कहते हैं जो हमारे सोर्स से जो आई है, हमारी तुरुक से रिवायात से, वो सही है। अहले सुन्नत का तरीक नुकता नजरिया है कि जो हमारी तुरुक से रिवायात से आई है वो सही है। तो जो दोनों घर एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो इसका तो हल करना होगा। और इसमें ज़िमनन एक बात कर दूं, आगे चल के आ जाएगा, फर्क यह है कि अहले सुन्नत की कुतुब हदीस में और अहले तशय्यो की, हालांकि सबसे बड़ी किताब है नहजुल बलागा भी, अहले सुन्नत के हां तो एक हदीस भी सनद के बगैर बयान नहीं की जाती, अहले तशय्यो के हां तबीयत में बड़ी वुसअत है, उनके यहां फराख दिली है, और वहां पूरा का पूरा नहजुल बलागा का मजमूआ, पूरा नहजुल बलागा, जितने खुतबात मौला अली शेर खुदा के दर्ज हैं, एक खुतबे की भी सनद मौजूद नहीं है उसमें लिखी हुई, एक खुतबा भी सनद के साथ नहीं है कि यह किस तरह साबित हो कि यह खुतबा मौला अली शेर खुदा ने दिया था या नहीं दिया था, यह कैसे साबित होगा, किसी खुतबे की सनद नहीं है, न पूरी किताब की सनद है। अब उनका इनसार यह है कि सैयद रजी जो इसके मुअल्लिफ हैं, और वो मुअल्लिफ, उनकी वफात पांचवीं सदी हिजरी में हुई है, जो सैयद अबुल हसन मोहम्मद रजी हैं मुअल्लिफ नहजुल बलागा के, उनकी विलादत है 359 हिजरी में और वफात है 406 में। तो ये जो 350 साल 400 साल का फर्क है, मौला अली शेर खुदा का विसाल हुआ है 40, शहादत हुई है 40 हिजरी में, और सैयद रजी जो नहजुल बलागा के जामे हैं, इनकी वफात है 406 में। ये जो 350 साल का तकरीबन फर्क है, अब 350 साल में कम से कम 7, 8, 10 रावी आ जाते हैं, कम से कम। इमाम बुखारी ने जब सही बुखारी मुरतब की तो इमाम बुखारी की विलादत है 194 में उनकी विलादत है। तो इमाम बुखारी जब हर हदीस को रिवायत करते हैं तो उनकी 22 हदीसें कुल ऐसी हैं जिनमें 3 रावी आते हैं दरमियान में, इमाम बुखारी और आका अलैहिस्सलाम के दरमियान। बकाया किसी हदीस में 4 रावी हैं, किसी में 5, किसी में 6। गोया इमाम बुखारी और ये इमाम मुस्लिम एक ही जमाना है, इमाम अबू दाऊद का भी वही जमाना है, इमाम तिरमजी का भी वही जमाना है। ये सन 200 हिजरी के बाद इन्होंने किताब लिखी है, गोया नहजुल बलागा के जमाने से 200 साल पहले लिखी है, नहजुल बलागा के से तकरीबन 200 साल पहले उन्होंने किताबें लिखी है। तो 200 साल पहले लिख कर भी जब वो हदीस रिवायत करते हैं तो वो तो कंसेप्ट ही नहीं है ना, बगैर सनद के किसी हदीस को बयान करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। मगर वो 5, 5, 6, 6 रावी आते हैं इमाम बुखारी और आका अलैहिस्सलाम के दरमियान या सहाबा तक।
फिर एक एक रावी पर जर व तादील की किताबें हैं, सैकड़ों कुतुबें, असमा और रिजाल की कुतुबें, एक एक रावी पर छानबीन होती है, तहकीक होती है। यही तरीका इमाम मुस्लिम का है, कवायद है किस रावी से लेना है किस से नहीं लेना। और यहां बाई दीवे में बात कर दूं, ये जो ख्याल हमारे बाद अहल तशय्यो भाइयों के जहन में आ गया है और इसका बिला वजह एक नाजायज इस बात को फैलाया जाता है कि बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमजी और सियासिता जो हमारी किताबें हैं, उन्होंने अहले बैत अतहार और उनके इमामों की रिवायतें नहीं ली। गलत इल्जाम है कि अहले सुन्नत की कुतुब हदीस ने अहले बैत अतहार, आइमा अहले बैत की रिवायतें नहीं ली। ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ये इल्जाम गलत है। तमाम नौजवान, तमाम अहले इल्म, मैं सकाहत के साथ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। और हमारे अपने अहले सुन्नत के भी कई उलमा जो बड़ी तहकीक और तदकीक नहीं करते, वो भी इस मुखालते में आ जाते हैं, और ये अफवाह प्रोपेगंडा सुनकर वो भी इस मुखालते में आ जाते हैं कि हाँ शायद नहीं लेंगी। ये एक बड़ा आम फैला हुआ है, ये तसव्वुर गलत है। मैं जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं, इमाम बुखारी हो या सियासिता के दीगर आइमा या दीगर आइमा हदीस, उनसे पहले, उनके शुयूख में या उनके बाद, जितने अमानतदार और दयानतदार इल्म के बाब में ये लोग थे, शायद तारीख इंसानी में ऐसे तबके कम पैदा हुए होंगे सहाबा कराम और ताबईन के बाद। पंजाबी में जो लफ्ज बोलते हैं ना, डंडी मारना, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं नौजवान नस्ल को समझा रहा हूं जो मेरी बात पे एतमाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने इनको कहीं डंडी मारते कभी नहीं देखा। आइमा हदीस को जो तकवा जिस तरह आइमा अहले बैत का था और एहतियात, उसी तरह इनका था। ये मोमिन थे, मुत्तकी थे, वली थे, शब जिंदादार थे, एक एक हदीस लिखने से पहले वुजू करके दो नफल पढ़ने वाले लोग थे, खुदा का खौफ रखने वाले लोग थे। ये प्रोपेगंडा है, इस वजह से हम नहीं मानते कि इन्होंने अहले बैत या अथार की रिवायतें नहीं ली। और फिर इस प्रोपेगंडा से मुतासर होकर अहले सुन्नत के कई लोगों ने भी अदद सैयदना मौला अली शेर खुदा की रिवायतों का कम लिख दिया है। करेक्ट करें, मैं आपको कह रहा हूं, अदद को करेक्ट करें, मौला अली शेर खुदा की रिवायत जो कुतुब हदीस में, बात ऐसी नहीं है जो कही गई है। सिर्फ अगर सियासिता को ले लूं, सिर्फ सियासिता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, सिर्फ छह किताबें, तो मैंने कहा ना डंडी नहीं मारी, अदल और इंसाफ से काम लिया। तो पूरी छह की छह किताबें सियासिता में सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात सिर्फ 112 हैं। यह तसव्वुर करना नाजायज है कि वो सिर्फ सहाबा कराम से लेते हैं और अहले बैत अतार से नहीं लेते, या यक तरफा किया है। अहले सुन्नत की कुतुब हदीस यक तरफा नहीं है। अब खुद सोचिए, ये सैयदा फातिमतु जहरा वाली रिवायत जिस पर हम आगे चल के आएंगे कि वो नाराज हो गई मसला फदक पर, वो सही बुखारी से ही तो ली है। अगर वो डंडी मारने वाले लोग होते तो क्यों लाते हैं ये रिवायतें, पांच छह मरतबा लाए हैं सही बुखारी में। ये हदीस किरतास, ये मैं अहले तशय्यो भाइयों को, बेटों को और आमतुल मुस्लिमीन को ये बात समझा रहा हूं। ये इल्जाम, ये तसव्वुर गलत है, ये बदगुमानी है, ये प्रोपेगंडा है, क्योंकि उम्मत बट गई फिरकों में और मौला अली शेर खुदा की तालीम पर अमल न किया, इंतहा पसंद हो गए, आधे इधर आधे इधर, जिससे दीन कट गया। ये जो हदीस किरतास की बहसें होती हैं हर वक्त, इस पर मैं पूरी तफसील से इंशाअल्लाह अलग बात करूंगा, कई नशिस्तें लगेंगी, कई नशिस्तें हदीस किरतास पर मेरी, कई नशिस्तें लगेंगी मसला फदक पर, कई नशिस्तें लगेंगी मसला खिलाफत व इमामत पर, कई नशिस्तें लगेंगी वफात सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा पर, कई सैयदना फारूक आजम ने बेहुरमती की है नहीं की, जितने अहम मसाइल उठाए जाते हैं एक एक मसले पर एक तवील नशिस्तों का होगा मेरा सिलसिला।
एड्रेस करूंगा, मगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। हदीस किरतास जिसको बयान किया जाता है वो सही बुखारी से तो लेके बयान किया जा रहा है। तो अगर माजल्ला ये लोग मुतासिब होते, हक परस्त ना होते, अदल पसंद ना होते, ईमानदार ना होते, मुत्तकी ना होते, साहिब अदल इत्कान ना होते, इत्तकान, तो कितना आसान था, क्या जरूरत थी इन हदीसों को दर्ज करने की। हदीस किरतास को निकाल देते, वाकया फदक को निकाल देते, उस वक्त कोई इनका कलम रोक रहा था? इमाम मुस्लिम न दर्ज करते, निकाल देते। किसने मजबूर किया इनको? कोई जबर था इन पर? सर पे तलवार थी? ये बात सोचने वाली है। ये उनकी अमानत है, दयानत है, अदल है, इत्तेकान है। इन मसाइल पर मैं इस तो गुफ्तगु नहीं कर रहा, ये अपने टाइम पर गुफ्तगु होगी। मैं उस वक्त ये सब हदीसें मेरे सामने खुली होंगी, पढ़ के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, समझा दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मसले हल हो जाएंगे। आगे अपनी अपनी तबीयतें हैं, कोई कबूल करे या ना करे, मैं अपना फर्ज अदा कर दूंगा। मगर सोचने वाली बात है कि ये इन, अगर आपको ये किताबें ये अहादीस की रिवायात देती हैं, तो ये गुमान कैसे कर सकता है कोई शख्स के माजल्ला ये अहले बैत के हक में न थे, यक तरफा थे और इनकी रिवायतें गलत हैं? ये जो मुझे 10-15 साल गुजर गए जिंदगी अहले बैत अतहार की शान में, मनाकिब में, ये जो मैंने किताबें लिखी, अन नजाबा या कंजुल मतालिब या मारजल बहरैन या दुरतुल बैदा या सैफुल जली, ये सारी किताबें जो मैंने लिखी हैं, ये कुतुब हदीस अहले सुन्नत ही से तो लिखी हैं। मैंने इनमें से किसी एक किताब में अहले तशय्यो की किताब का हवाला नहीं दिया, किसी में नहीं दिया। जितनी कुतुब फजाइल अहले बैत पर मेरी हैं, सैकड़ों हजारों अहादीस पर मुश्तमिल टोटल अगर जमा करें, और मनाकिब अहले बैत पर हैं, एक हवाला एक हदीस भी मैंने कुतुब शिया में से नहीं दी। सब कुतुब अहले सुन्नत की सियासत्ता और आइम्मा हदीस से लिए हैं मैंने, सब हवाले इधर से दिए हैं। आप मेरे खिताब सुनते हैं, दर्स सुनते हैं, दर्स बुखारी देता हूं, जो मैं शबे 21वीं शब माह रमजान मुबारक सही बुखारी का दर्स दिया है शान आले बैत में, सही मुस्लिम का दर्स दिया है शान आले बैत में, जामे तिरमजी का दर्स दिया है शान आले बैत में, इमाम नसाई की मनाकिब अली का दर्स दिया है शान आले बैत में। इमाम नसाई तो शहीद भी मोहब्बत अली में हुए। अपनी किताब मनाकिब अली का दर्स दे रहे थे, रिवायत कर रहे थे, तो एक गुस्ताख उठा मौला अली शेर खुदा का, एक खारजी और कुछ और लोग उठे, हमला कर दिया, और हुब्बे अली के बयान पर इमाम नसाई जख्मी हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने फरमाया ले चलो, अब मेरी रूह परवाज कर जाएगी, तो हरम काबा में ले चलो, बाब बनी शैबा, जहां से कुरैश बनु हाशिम हुजूर और हुजूर के आले बैत घर से निकल के काबा के तवाफ के लिए आते थे, उन्हीं के रास्ते में दफन कर देना, ताकि वो मेरी कब्र जो है वो मेरा मदफन निशान बन जाए कि उनकी गुजरगाहों में दफन हुआ हूं। तो जो अर्जा रिवायत है वो वहां ला के दफन किया गया, और गैर राजे रिवायत दूसरी है कि गजा में फलस्तीन में दफन हुए। तो शहीदी वो मनाकिब अली के बयान पर हुए थे। इमाम आजम अबू हनीफा की इतनी मोहब्बत थी अहले बैत के साथ, और 9 आइमाए अहले बैत उनके शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा, उनको शिया कहा गया। जब हमारे पास लोग नादानी में बैठ के मुझे तशय्यो का इल्जाम देते हैं, शिया कहते हैं, तो मैं कभी हंसता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। मैंने कहा यह इल्जाम मेरे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा को दिया गया था। यह तशय्यो क्या, बल्कि राफजी होने का इल्जाम इमाम शाफी को दिया गया था। यार लोगों ने किसको छोड़ा है? तो बताना यह चाहता हूं कि ये इल्जाम गलत है कि अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में अहले बैत की रिवायात नहीं है। वो सुन ले गौर से, मैं सिर्फ चारों खुलफा की एक मिसाल दे देता हूं, मसला हल हो जाएगा। सीदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायात कुल सिहा सित्ता में, बुखारी सही बुखारी से लेके इब्ने माजा तक 112 है। उसके बाद सीदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की उनसे ज्यादा हैं। पूरी सियासत्ता में सीदना उस्मान गनी की मरवियात 139 हैं।
सीदना सिद्दीक अकबर की रिपोर्टेड अहादीस उनके ट्रांसमिशन से 112 है, सीदना उस्मानी गनी की 139 उनसे ज्यादा फिर सीदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी सियासत बुखारी शरीफ से लेके इब्ने माजा तक उनकी मरवियात की तादाद 538 है जो सीदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं सियासत्ता की हदीस 538 और खुलफाए राशिदीन में सियासत्ता के अंदर सबसे ज्यादा मरवियात मौला अली शेर खुदा की है उसकी तादाद 661 है। ये तो ताना उनको देते थे कसूर अपना निकल आया, अब ये तो उल्ट हो गई बात, ये तो सबसे ज्यादा मौला अली शेर खुदा की रिवायात है सियासत्ता में 661 और सैयदना सिद्दीक अकबर की 112, मौला अली शेर खुदा की 661 और उस्मानी गनी की 139, मौला अली शेर खुदा की 661 और सैयदना फारूक आजम की 538 ये सियासत्ता है। अब एक बहुत अजीब बात मैं जिमनत बता दूं ताकि बाई दी वे बात आ गई तो मैं घटा दूं कि ये जो अगर आप मदार हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस को लेना है तो कहीं से तो लेंगे, अगर आप इनकार कर दें तो हदीस रसूल का तो मंबा बंद हो जाता है कुरान के बाद, जब हदीस और सुन्नत रसूल की बात आएगी तो कहां से लेंगे। यह रुझान आज पैदा हुआ है कि बुखारी मुस्लिम और अहले सुन्नत इमामों से और सहाबाए कराम से और ताबईन से अतबाउ ताबईन से न लेना, यह रुझान आज पैदा हुआ है। वल्लाह मैं आपको आगे चल के सैकड़ों हवाले दूंगा पहले जमाने के मुफस्सरीन शिया मुफस्सरीन शिया मुहद्दिसीन शिया उलमा अहले तशय्यो बड़े बड़े ग्रेट चोटी के स्कॉलर्स जिनकी तफासीर हैं वो सारे सहाबाए कराम की रिवायात को लेते थे, ताबेईन की रिवायात को लेते थे, अतबाउ ताबेईन को लेते थे, बल्कि अहले सुन्नत की किताबों से रिवायात को लेते थे। अगर आप शिया तफासीर का मुताला करें तो यह जुमला अगर मैं बोल रहा हूं यह मुबालगा नहीं होगा, यह मेरी अपनी जाती मुशाहदा और मुताला है जिंदगी भर का, शायद अगर एक तफसीर है उनकी 20 जिल्दों की तफसीर है फॉर एग्जांपल, हजारा सफात हैं तो 20 जिल्दों में शायद एक सफा भी ऐसा ना मिले किसी तफसीर में जिस पर सहाबा ताबीन अतबा ताबीन के हवाले ना हो। मगर वाज करने वाले और बातें करने वाले कभी पढ़ते हैं किताबें एक दूसरे, अपनी किताबें भी कोई पढ़ता है। अगली नशिस्त जब मेरी आएगी जब मैं कुरान पर बात करूंगा कि आओ फैसला कुरान से करें तो कुरानी आयात में इंशाअल्लाह मेरा मौजू होगा और कुरानी आयात की तफसीर एक तफसीर भी मैं अहले सुन्नत तफसीर की किताबों से नहीं करूंगा, सिर्फ अहले तशय्यो की कुतुब तफसीर से पेश करूंगा। तो आपको अंदाजा मैं दिखा दूंगा कि किस तरह वो अहले सुन्नत को कोट करते हैं और रद्द भी नहीं करते, बगैर तान और जरा के कबूल करते। पहला ये कल्चर था क्योंकि उनका इनसार शख्सियात की अदालत पर था, सकाहत पर था, ये कल्चर ही चेंज हो गया, मजहबी चेंज हो गया, तस्वुरात चेंज हो गए, बिल्कुल जहालत पर कायम हो गया, तासब पर कायम हो गया पूरा तस्वुर, दुनिया ही बदल गई। अब मैं जो बात कर रहा हूं, जब अहले बैत अतहार की मौला अली शेर खुदा की रिवायात सुन चुके, अब मैं कुतुब हदीस जो आइम्मा अहले सुन्नत हैं हदीस के इमाम, अब उनकी रिवायात को सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब कर रहा हूं। पहले मैंने मुआजना दिया था सिर्फ सियासत्ता का, अब दे रहा हूं सियासत्ता के अलावा भी बड़ी कुतुब हदीस, जमी कुतुब हदीस अहले सुन्नत की, उनमें ताकि अहले तशय्यो को हमारे उन भाइयों को यह मुगालता दूर हो जाए कि अहले सुन्नत की हदीस की किताबें अहले बैत के कि आइम्मा की रिवायात से खाली हैं और सिर्फ सहाबा की रिवायात हैं। अव्वल तो सहाबा और अहले बैत में कोई तकसीम और तफरीक नहीं थी, मगर जब बना ली गई तो चलो इसी का इजाला करता हूं, जब बना समझ ली गई गलती से तो बताना चाहता हूं कि कुल जखीरा हदीस अहले सुन्नत का
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کل روایات 142 ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بتا دیا 538 ہیں. باقی کتب میں سیاستہ کے علاوہ جو آئی ہیں وہ وہی ہیں جو سیاستہ میں آ چکی, ریپیٹ ہوئی ہیں, تکرار ہوا ہے. 538 ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 146 ہیں. یعنی سیاستہ کے علاوہ بقیہ کتب حدیث بھی شامل کر لیں, کل روایتیں اتنی ہیں. اب آپ اندازہ فرما لیں کل روایتیں اتنی ہیں. اور اب ذرا دھیان سے سنیے, الزام لگانے کتنے آسان ہوتے ہیں اور حقیقت اور سچائی کتنی مختلف ہوتی. اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات, یہ خیال کہ سیاستہ نے اہل سنت کی حدیث کے جو ائمہ سیاستہ, انہوں نے ائمہ اہل اطہار اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا, سن لیں. وہ سیاستہ جس کا ذکر آپ سن چکے, ان پر کچھ اور حدیث کی کتابیں جمع کر دی, الکتب التسعہ, یعنی بخاری, مسلم, ابو داود, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد بن حنبل, موطا امام مالک, دارمی. ابھی میں صرف 9, پھر میں ایک آخری فگر دوں گا, 10 کتابیں ملا کر مصنف ابن ابی شیبہ کو ملا کر. اور یہ یاد رکھ لیں, یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا ادب میں نہیں دے رہا, نہ یہ میری طبیعت ہے, یہ میں نے ایک ایک حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی اور اپنے کرم کے ساتھ نمبرنگ کی ہے زندگی میں. میں پھر دوہرا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ جو علماء نے کتابیں لکھی تو اس میں درج کر دیے تو میں وہ عدد پڑھ کے سنا رہا ہوں, پتہ نہیں وہ سچا ثابت ہوگا یا نہیں. گپ شپ والا علم نہیں ہے, میں نے تو زندگی میں گپ والا کام کبھی کیا نہیں, اللہ پاک محفوظ رکھے. اللہ پاک نے اسی وجہ سے سب لوگوں کے دلوں میں محبت دی ہے کہ کبھی کوئی بات میں غیر سیکھا نہیں کرتا. میں جتنی آگے بتا رہا ہوں, آگے جو آنے والا ہے, یہ ایک ایک حدیث آنکھوں سے پڑھ کر اپنے قلم کے ساتھ نشان لگائیں, نمبرنگ کی ہوئی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ان الکتب التسعہ 9 کتابوں میں 1599 ہیں. سیاستہ اور مسند احمد بن حنبل, الموطا امام مالک اور دارمی, یہ سب امام بخاری کے شیوخ ہیں, شیخ ہیں امام بخاری کے اوپر. یہ درست کر لیں, کئی کتابوں میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ ان سے مرویات 530, 35 یا 40 لکھا ہوا ہوتا ہے. کئی لوگ بس نقلن کرنے دیتے ہیں, غلط لکھتے ہیں, یہ غلط ہے. اہل سنت بے شمار لوگوں نے 530, 35, 40 کا عدد لکھ دیا سیدنا مولا علی شیر خدا کا, مرویات کا, غلط ہے. جہاں کہیں یہ عدد لکھا ہوا ملے کاٹ کے کریکٹ کر لیں اس کو. یہ صرف کتب تسعہ, چوٹی کی اوپر کی 9 کتابیں سیاستہ اور 3 امام بخاری مسلم کے شیوخ, 1599 یعنی 1600 روایات صرف مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں. اس میں ائمہ اہل بیت اطہار شامل ہو جاتے آگے, وہ باقی ہیں. ائمہ اطہار اہل بیت الگ ہیں. صرف سیاستہ میں نے بتایا تھا کہ مولا علی شیر خدا کی 661 تھی, اور 3 کتابیں اوپر کی اور ایڈ کر لی تو 1600 احادیث ہیں جو مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں. اور ان میں مصنف ابن ابی شیبہ کو ایڈ کیا میں نے, مصنف ابن ابی شیبہ, یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں, ان کو ایڈ کیا تو صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں 2085 احادیث سیدنا علی شیر خدا سے مروی ہیں. 2085 صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو 10 اوپر کی کتابیں حدیث کی, اہل سنت کی اوپر کی 10 کتابیں چنی اور ان میں مولا علی شیر خدا کی مرویات 3684 ہیں. ابھی یہ الزام کہ اہل سنت کے ائمہ حدیث نے اہل بیت کی اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا, کتنا بڑا ظلم ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 3684
3684, ये सिर्फ सबसे ऊपर 10 कुतुब हदीस जो आइम्मा अहले सुन्नत की हैं, ये उनका अदद है। बदकिस्मती है कि पता नहीं कहां से गलत अदद चल पड़ा है, वो किताबों में नकल करके लिखते चले जा रहे हैं, सारे 550, 550 या 650। जहां उलमा से कह रहा हूं, जहां ये अदद मिले काट दें, मैं जिम्मेदारी से नया अदद लिखें जो मैंने आपको गिनवाया है। 3684 सिर्फ मौला अली शेर खुदा की रिवायात है, मरवी है। और कुल आइम्मा अतहार अहले बैत की मरवियात हैं, हजरत अली शेर खुदा की मरवियात हैं सियासत्ता में और इन कुतुब में, हजरत फातिमतु जहरा की मरवियात हैं, इमाम हसन की मरवियात हैं, जरा सुनते आइए, इमाम अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना, इमाम हसन के साहबजादे और पोते, उनकी मरवियात हैं, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन, इमाम हसन मुज्तबा के फिर पोते, उनकी मरवियात हैं, इमाम मोहम्मद बिन अमर बिन अल हसन बिन अली बिन अबी तालिब, उनकी मरवियात हैं, इमाम हुसैन की मरवियात हैं, इमाम हुसैन की साहबजादी हजरत फातिमा की मरवियात हैं। सही बुखारी में, मुस्लिम में इमाम जैनुल आबिदीन की मरवियात हैं। सिर्फ इमाम जैनुल आबिदीन की सियासत्ता में इन किताबों में 135 मरवियात हैं, सिर्फ इमाम जैनुल आबिदीन की। उनकी तादाद भी सैयदना सिद्दीक अकबर की मरवियात से ज्यादा है। कुल सियासत्ता में सैयदना सिद्दीक अकबर की 112 थी, इमाम जैनुल आबिदीन की 135 हैं सियासत्ता में। आप अंदाजा करें कुतुब तिसा। इमाम मोहम्मद अल बाकिर की मरवियात हैं इन 9 किताबों में सियासत्ता और 3 किताबें जो गिनवाई। सैयदना सिद्दीक अकबर की 112 थी, जरा गिनते आइए। सैयदना उस्मान गनी की 139 थी, और खाली हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की मरवियात सियासत्ता में 244 हैं, 244। ये मेरी नजर से गुजरी और मेरे कलम के निशान जद हैं। मैं किताबों से पढ़ के मैंने बार बार अर्ज किया, नहीं बता रहा, आप वसूख से कोट करें आगे जहां चाहें। इमाम मोहम्मद अल बाकिर की ये 244 मरवियात हैं सियासत्ता में, और सही बुखारी में भी हैं इमाम बाकिर से, और सही मुस्लिम में भी हैं, और तिरमजी नसाई सब किताबों में है। इमाम जैनुल आबिदीन की भी सियासत्ता में है, बुखारी मुस्लिम समेत। सैयदा फातिमा बिनतुल हुसैन, उनके भी सही बुखारी में उन्होंने जिक्र किया उनका। फिर इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद अल बाकिर के बाद सैयदना इमाम जाफर सादिक, उनकी सियासत्ता में और मुसनद अहमद मुअत्ता दारमी, इनमें 169 रिवायात हैं सैयदना इमाम जाफर सादिक की। खुदा जाने हमने क्या तसव्वुर बना रखा है, न मुताला करना, न तहकीक करनी, न किताबें कंगालनी। एक माहौल बन गया है ला इल्मी का, बेखबरी का, जहालत का, और वाजगोई और प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ, और लोग सुनते चले जाते हैं। इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक की 169 रिवायात। फिर इमाम मूसा काजिम की रिवायात भी हैं सियासत्ता में और कुतुब तिसा में, सैयदना इमाम मूसा काजिम की भी हैं, हालांकि वो बगदाद ले जाए गए थे कैद होकर और वहां शहीद हुए, और उनका मजार एकदस भी वहां है काजिमिया। फिर इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया, ये मौला अली शेर खुदा के दूसरे बेटे हैं, उनकी रिवायात भी हैं बुखारी मुस्लिम सियासत्ता में, 66 रिवायात उनकी। इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अल हनफिया की 26 हैं, इमाम हसन बिन मोहम्मद बिन अल हनफिया की 45 हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम की भी रिवायतें, आप अंदाजा कर लें, जिनका तज़किरा मारका करबला में हम सुनते और पढ़ते हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम, उनसे मरवियात भी हैं। मोहम्मद बिन उमर बिन अली बिन अबी तालिब से मरवियात है, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उमर, उनसे मरवियात हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कुल आइमा, उसका बाद जो जमाना आगे जो बाकी वो इनके बाद आए हैं,
वो इमाम बुखारी मुस्लिम के बाद आए हैं, और फिर वहां कोई उनको बनु अब्बास के उलफा कैद बंद में रखा, शहीद कर दिए गए, और वो बयान करते थे मारिफ। रिवायत हदीस की किताबों में ली जाती है, अगर कोई बिल्कुल मुत्तसिल सनद के साथ तमाम रावियों से बयान करे। ये बात मैंने अब अंदाजा कर लें कि कुतुब अहले सुन्नत में किस तरह रिवायात आइमा अथार अहले बैत की हैं, और कितनी हैं, बड़ी पड़ी हैं किताबें आइमा अथार अहले बैत की रिवायात के साथ। और चारों खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा सैयदना मौला अली शेर खुदा की, उन तीन खुलफा की मिलाकर भी, सैयदना सिद्दीक अकबर की मरवियात 112, सैयदना उस्मान गनी की 338, ये बन गई 650 दोनों, और सैयदना उमर फारूक की और सैयदना उस्मान गनी की मिलाई 650, और ये बन गई 790, बन गई 799। तीनों खुलफाए सलासा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, तीनों की मिलाकर मरवियात सियासत्ता में 790 बनती हैं तीनों की, और अकेले मौला अली शेर खुदा की 661 हैं सियासत्ता में, और कुल मरवियात मौला अली शेर खुदा की 10 में 3684 है। अगर तीनों खुलफाए सलासा की मिला दी जाए, तीनों की मिला दी जाए, तो मौला अली शेर खुदा की मरवियात उनसे फिर चार गुना ज्यादा बनती है, चार गुना ज्यादा। इससे बढ़कर अदल और इंसाफ, अमानत और दयानत और सकाहत आइमाए हदीस जो अहले सुन्नत के थे, कुतुब हदीस के मुरतब करने वाले, उससे बढ़कर क्या अमानत और दयानत का तस्वर कोई कर सकता है। और मैं इंशाअल्लाह आगे जब उन हदीस और वाकयात पर आऊंगा फिर आपको कुछ नमूने भी कोट करूंगा, लेकिन मैंने अर्ज किया अब उसके बरअक्स नहजुल बलागा को ले लें तो ये उन बुजुर्गों के 200 साल बाद और सैयदना मौला अली शेर खुदा के 350 साल बाद आए, और किसी एक खुतबे की एक सनद लिखी हुई नहीं, मौजूद नहीं है, एक सनद मौजूद नहीं, किसी खुतबे का रावी मौजूद नहीं है। ये पूरी नहजुल बलागा मेरे सामने पड़ी है, पूरी नहजुल बलागा, सिर्फ खुतबा नंबर देते हैं और लिखते हैं मिन कलाम लहू अलैहिस्सलाम फी बादी अय्याम सिफीन, बस सिफीन के अय्याम में एक मौके पर आपने कलाम फरमाया, बस आगे फिर आपका कलाम शुरू हो जाता है। मिन खुतबतिन लहू अलैहिस्सलाम भैया मिन खुतबिल मलाहिम, बस आगे आपका खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाता है। जो खुतबा आप उठा के देख लें, मिन खुतबतिन लहू लियतअस्सा सगीरुक, बस आपका खुतबा है, पर आपका बयान शुरू हो जाता है। मिन खुतबतिन लहू, बयान शुरू हो जाता है जो नौफल बिकाली को दिया, फिर आपका खत कभी आ जाता है, कभी कलाम आ जाता है। तो मकसद बात का यह है कि सैकड़ों खुतबे मौला अली शेर खुदा के जमा किए, सैकड़ों खुतबे और खतूत, किसी एक खुतबे की कोई रिवायत बयान नहीं है, सनद ही नहीं, बल्कि अब उसका सबूत सिर्फ इतना रह जाता है। अब उस पर बुनियाद करके अगर आप कुछ वाकयात या कोई चीज बयान करेंगे तो कोई दूसरा किस तरह एतमाद करेगा। फिर मैं आपको बाद में तरीका भी बताता हूं एतमाद का, फिर तरीका क्या है, मैं रास्ता भी निकालता हूं। सिर्फ इतना ही इनके पास हल है, इन उलमा के पास जिन्होंने ये किताबें जमा की, और वो ये कहते हैं कि इनके मुरतब करने से पहले ये सैयदना मौला अली शेर खुदा के खुतबात फुलां ने भी जमा कर रखे थे, फुलां के पास भी कुछ खुतबे जमा थे, यकीनन जमा होंगे, मगर मैं तो बात कर रहा हूं रिवायत की, मुत्तसिल सनद की, रावी कहां गए, इत्तिसाल सनद कहां गया, और कम से कम 10-12 रावी बनते हैं जो जामे नहजुल बलागा से लेकर मौला अली शेर खुदा तक 450-450 साल हुए ना, 10-12 रावी बनते हैं, वो कहां गए, किस तरह पता चलेगा कि ये खुतबा ये कलाम आपका है नहीं है, किसी ने दरमियान में इजाफा किया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, किसी चीज का सबूत ही नहीं है, बस सिर्फ एक एतमाद चल रहा है। अब जब सूरत हाल ऐसी हो तो अब हदीस के बाब में क्या तरीका निकाला जाए, हल निकाल रहा हूं, सोल्यूशन, इस तरह बाकी कुतुब है तो मेरे नजदीक पर उसको सोल्यूशन ये है हदीस के बाब में, उन हदीस को लिया जाए, उन रिवायात को, दोनों घरों के लिए कह रहा हूं, जिसकी ताईद दोनों तरफ की उलमा से मिल जाए,
चूंकि उन्होंने एक दूसरे की किताबों को तो मानना नहीं, वो तो मुश्किलात मैंने बयान कर दी और इसका हल भी कोई नहीं, चूंकि 1500 साल गुजर गए, अब तो सनदें नहीं कोई बना सकता। अहले सुन्नत की कुतुब की हैं, अहले सुन्नत की कुतुब की हैं सनदात। अब उसका हल यह है कि जो चीजें जुहद पर हैं, तकवा पर हैं, वरा पर हैं, इल्म पर हैं, आखिरत पर हैं, मारिफत पर हैं, सुलूक पर हैं, आम नसाए पर हैं, जिसमें कोई अकीदे का इख्तलाफ नहीं, वो तो दोनों में से जिस तरफ से मिल जाए काबिले कबूल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने नहजुल बलागा का जो आखिरी हिस्सा है जुहद और मारिफ पर, उस पर खुद दर्स भी दिए हैं इतिकाफ के अय्याम में। वो आपको अहले सुन्नत की और औलियाए कराम के तज़किरों की किताबों में भी मिलते हैं। मैंने उस दिन दिखाए थे कि ये नसाए इधर भी मिलते हैं, तो जो मुश्तरक मिले उन्हें कबूल किया जाए, जिस पर इतिकादी इख्तलाफ की बुनियाद हो उसे कबूल न करें। चूंकि वो शिया रावी हैं या आपके नजदीक दूसरे सुन्नी रावी हैं, आपके ख्याल के मुताबिक उधर उनके ख्याल के मुताबिक वो मौजू होंगी, मन गलत होंगी। और तीसरी चीज जो बड़ी अहम, वलन कुरान को लें, और मैंने अर्ज किया कि जब मैं इसके बाद अगली नशिस्त में कुरान से शुरू करूंगा तो कुरान मजीद की तफसीरात सिर्फ अहले तशय्यो की लूंगा, फिर उसके बाद हदीस में आ जाएं तो हदीस में मुत्तफकात को देखें, या खिलाफियात हो वहां तर्क करें, और उस रिवायत को कबूल करने के लिए खिलाफियात को कुरान की तरफ रद्द करें, रुजू करें कुरान की तरफ। कुरान सबसे बड़ा उसूल है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हर चीज में रिवायतें वजा हुई हैं, घड़ी हुई हैं, चूंकि इख्तिलाफात के दौर थे सियासी, एक दूसरे के खिलाफ रिवायतें घड़ के खुलफा को, उमरा को, हुक्मरानों को हदाया पैसे वसूल करने के लिए लोग बातें ले जाते थे घड़ कर, शायर शायरी लिख के ले जाते और उलमा रिवायतें लिख के ले जाते थे, जिसकी वजह से आइम्मा अहले सुन्नत के आइम्मा फन ने, अस्मा और रिजाल के आइम्मा ने, नकद व जरा के आइम्मा ने, जर व तादील के आइम्मा ने, और अहले तशय्यो में भी नकद और जर व तादील के उलमा ने किताबें लिखी, अस्मा और रिजाल की मौजूद हैं, मगर पढ़ता पढ़ाता कोई नहीं। वो जरा करते थे, तादील करते थे, तहकीक करते थे, फिर रिवायत को कबूल करते या रद्द करते। और इसका मैंने एक तीसरी सूरत निकाली अहले तशय्यो भाइयों के लिए कि तीसरा हल फिर वो फैसला ले लें किताब व सुन्नत के बाद जो आइम्मा अथार अहले बैत ने कहा है, जो सेहत के साथ साबित हो। अब मैं तीसरा सोर्स ये लूंगा, इन तमाम उमूर के फैसलों में अहले बैत के इमामों पर फैसला करूंगा, और वो भी शिया कुतुब से लेंगे, कुतुब अहले तशय्यो से। मैंने आइम्मा अतार अहले बैत को एक बुनियाद होंगी, सहाबा कराम और अहले बैत, ये दो रास्ते हैं हुजूर की सुन्नत को समझने के लिए। इस चीज को जो मैंने बात कही, क्यों, अब आज बड़ी आखिरी बात है मेरी आज की नशिस्त की, हवाला दे रहा हूं, लास्ट रेफरेंस है, बड़ी तवज्जो से सुने, और अहले तशय्यो शिया भाइयों के लिए बड़ी तवज्जो तलब चीज है। ये जितनी गुफ्तगू मैंने आज की, इसका लुब्बे लुबाब तौसीकन और तस्दीकन अब दे रहा हूं मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबा से, नहजुल बलागा का ही खुतबा, जिस पर अहले तशय्यो का सबसे बड़ा एतमाद है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह, तो एक बात तो वो कही जो मैंने शुरू में कह दी कि सवाद आजम को लेना और इंतहा पसंद फिरकों से बचना। अब एक बात मौला अली शेर खुदा ने और कही है, आपने तीन बातें कही हैं, यही खुतबा जो मैंने आपको अर्ज किया नहजुल बलागा तेहरान का, वही मतबूआ जिसका मैंने जिक्र किया था, हाज अली नकी शरा फैज शरा और तर्जमा अली नकी फैजुल इस्लाम का, इसके सफा 277 पर मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपना तरीका खिताब करके लोगों को बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि लोगों इन्नी लअला बय्यनतिन मिन रब्बी, इसका इशारा कुरान मजीद की तरफ है, कि अल्लाह की तरफ से जो सबसे बड़ी हुज्जत और बय्यना है
मैं उस पर कायम हूं, उसका मुराद कुरान। अब मौला अली शेर खुदा ने तरीका समझाया है, काश इसी पर अगर हमारी तबीयतें मायल हो जाएं, अगर मौला अली शेर खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इखलास है, हम उनके सच्चे पैरोकार हैं, तो फिर उनकी तालीम पर अमल करना है। इन्नी लअला बय्यनतिन मिन रब्बी, तो जो अल्लाह ने बय्यना उतारी है हुज्जत, मैं उस पर मुतमस्सिक हूं, उस पर कायम हूं, वो कुरान है। व मिनहाज मिन नबीजी, और फरमाया दूसरा मिनहाज और तरीका, उसवा और सुन्नत जो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, उस पर कायम हूं। वैनी लअलक तरीक अलवादे, और ये मेरा तरीक वादे है जिसके ऊपर मैं कायम हूं, जिस पर मैं चल रहा हूं। एक बय्यना इलाहिया यानी कुरान, और एक मिनहाज नबुव्वत हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत उस्वा नबवी। फरमाया ये तरीक वाज़े है जिस पर मैं चल रहा हूं। अब आगे सुनिए, आगे ये वजाहत अल्लाह की बय्यना की यानी कुरान की, और मिनहाज नबुव्वत हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके की वजाहत कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि हुजूर का ये मिनहाज था, ये उस्वा था, ये सुन्नत है, ये तरीक था, ये तालीम थी। इसके लिए सैयदना मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को और अपने मानने वालों को दो शरायत में बांध दिया है। फरमाया हुजूर का मिनहाज नबुव्वत और अल्लाह का उतारा हुआ बय्यना कुरान, इसकी रहनुमाई अगर लेनी हो तरीके वाज़े, वो दो जगहों से मिलेगा, दो को इकट्ठा थाम लो। फरमाया एक, उन्ज़ुरू अहले बैत नबीयकुम फअल्ज़मू समतहुम वत्तबऊ अथरहुम फलम युख्रिजूकुम मिन हुदा। ये मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, मैं रेफरेंस पढ़ रहा हूं नहजुल बलागा का। आपने फरमाया अपने नबी की अहले बैत को देखो और उनकी समत और उनकी सीरत और उनके उसवा को थाम लो और उनके आसार को, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी तालीमात के ऊपर पैरवी करो। फलन युख्रिजूकुम मिन हुदा, तो वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं ले जाएंगे। एक तरीका। और दूसरा तरीका आप फरमाते हैं सहाबा कराम हैं, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, एक हुजूर की अहले बैत और दूसरा फरमाते हैं सहाबा कराम, उनसे तमस्सुक करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके रास्ते पर चलो, उनके आसार की पैरवी करो। और फरमाते हैं लोगो लकद राई तो असाबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही खुतबा मुसलसल चल रहा है नाजुल बलागा का। लोगों मैंने अपनी आंखों से असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। ये मौला अली शेर खुदा हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम का नक्शा खींच रहे हैं। फमा अरा आहदन मिनकुम युशबिहुहुम, और मैंने सहाबा कराम की वो शान देखी है कि तुम में से हजारह लोग हैं मानने वाले खड़े, तुम में से कोई एक भी उन जैसा नजर नहीं आता, तुम में से किसी एक को भी उनके साथ मुमासलत और मुशाबहत नहीं है। अब आप देख लें, जब ये फरमाया फमा अरा अहदम मिनकुम युश्बिहुहुम, तो कौन कौन सामने खड़े होंगे जो सुनने वाले, जरा गौर से तवज्जो करें, उसमें आपका खानवादा भी होगा, आपकी औलाद मुबारक भी होगी, उसमें आपके अतबा भी होंगे, कुल शियाने अली भी होंगे, मुहब्बाने अली भी होंगे, और ताबेईन भी होंगे, अतबा होंगे, ताबेईन होंगे जो आपके साथ थे। अब ये खिताब अहले शाम को तो नहीं कह रहे, ये बात समझ रहे हो, हजरत अमीर मुआविया के पैरोकारों को तो खिताब नहीं कर रहे दमिश्क में जाकर, अपने सियासी मुखालिफिन को नहीं कर रहे, जो आपके कैंप में है मौला अली शेर खुदा के, उनसे फरमा रहे हैं।
फरमाते हैं खुदा की कसम तुम में से कोई एक भी मुझे सहाबा कराम जैसा नजर नहीं आता, उनकी शान जैसा दिखाई नहीं देता। लकद कानू युसबहून शासन गुबरा, वो सुबह इस हाल में करते थे कि उनके बाल बिखरे हुए होते थे और गुबार आलूद होते थे। सारी रात खुदा के हुजूर कभी क्याम करते, कभी रुकू करते, कभी सुजूद करते, कभी रोते, कभी तड़पते सजदों में खाक पर। उस जमाने सफे कारपेट्स नहीं थे, खाक पर मट्टी पे सजदा रेजियां करते। शब जिंदादार लोग थे, सुबह होते तो उनका हाल यह होता कि उनके बाल बिखरे हुए और गुबार आलूद होते थे। वकद बातू सुजदम व क्यामा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं नहजुल बलागा में, और खुदा की कसम सारी सारी रात उनकी क्याम में और अल्लाह के जूर सजदे में गुजरती थी। अब आप क्या कहेंगे, ये जो 8, 10, 11 लोगों को जिनको सहाबी माना जाता है, ये सिर्फ उनके बारे में कह रहे हैं? वो 8, 10, 12, 11 लोग तो वैसे भी उनके साथ खड़े होंगे। वो इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं जो गुजर गए थे, जो सिद्दीक अकबर कहलाते थे, जो फारूक आजम कहलाते थे, जो उस्मान गनी थे, जो असाबे सुफा थे, जो बदरी सहाबा थे, जो पहले 40 थे, जो बैत रिजवान वाले 1500 से थे। वो उन सहाबा का एक नक्शा उमूमी बयान कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। तुम क्या जानो सहाबा कराम की शान, और 1400-1500 साल बाद आज के अपने मानने वालों को बता रहे हैं खबरदार अपनी जुबान सहाबा कराम की शान में न खोलना, उनके बारे में बदगुमानी न करना, गुस्ताखी न करना। तुम्हें क्या खबर वो जो आज मेरे साथ इर्द गिर्द है उनमें कोई उनकी शान जैसा नहीं है। तो बाद की बात तो बाद की रही, सारी रात उनकी क्याम में गुजरती, सुजूद में गुजरती। युरावहून बैना जिबाहिहिम व खुदूदहिम, वो कभी अपनी पेशानियों के बल पर झुके हुए होते थे और कभी अपने रुखसार खाक पर रखकर खुदा के हुजूर सजदा रेजियां और गिरिया उजारी करते दिखाई देते थे। वयकफून अला मिस्ल الجمر من ذكر معادهم, और फरमाया क्यामत की याद से वो इतने बेचैन नजर आते, आखिरत की फिक्र उनको इतना तड़पा देती कि ऐसे लगता कि अंगारों पर खड़े हैं, तपते अंगारों पर खड़े हैं, इतना तड़प तड़प जाते जब आखिरत की बात होती। कअन्ना बैन अयुनहिम रोका बल मिजा मिनतूल सुजूद हिम, और लंबे लंबे सजदे कर करके उनकी पेशानी ऐसी सख्त और खुश्क हो गई थी जैसे बकरी की टांग की खाल होती, तवील सजदे कर करके। वाइजा जोकर अल्लाह हमलत आयुनहुम हत्ता तबुल्ला जुयूबहुम, और जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता, उनके सामने अल्लाह का जब नाम लिया जाता तो उनकी आंखें ऐसी अश्कबार हो जाती थीं, आंसुओं की झड़ियां इस तरह गिरने लग जाती थीं जिससे उनके गिरेबान भी तर हो जाते, उनके दामन भी लिबास के तर हो जाते। वमादु कमा यनीदु शजरु यौमर रीहिल आसिफ खौफम मिनल इकाब वरजा अनलिस सवाब, और वो जब आखिरत की बात होती, दोज़ख और जन्नत का जिक्र होता और अल्लाह की नाराजगी और खुशनुदी की बात होती, तो वो इतना लरस लरस जाते और इस तरह तड़पते और लरसते ऐसे लगता जैसे तेज आंधी के वक्त दरख्त झूम रहे हों। ये मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो अहवाल बयान कर रहे हैं सहाबा कराम के, सहाबा कराम के अहवाल बयान कर रहे हैं कि तुम क्या जानो, मैंने उनको इस हाल में देखा है, इन हालात को देखा है। फिर अपने मानने वालों को मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक और खुतबा में फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं खुतबा पढ़ देता हूं
عربی کا اصل پھر میں ترجمہ بعد میں اکٹھا کر دوں. فرماتے ہیں اين القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا الى الجهاد فولهوه وله اللقاء الى اولادها وسلبوا السيوف اغمادها واخذوا باطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا بعد هلك وبعد نجا لا يبشرون بالاحياء ولا يعزون عن الموتى مره العيون من البكاء خمس البطون من الصيام ذبل الشفاه من الدعاء صفر الالوان من السهر على وجوههم غبره الخاشعين اولئك اخواني. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اولئک اخوانی اولئک اخوانی الذاهبون فحق لنا ان نزمع الیہم ونعد الایدی علی فراقہم ان الشیطان یسنی لکم ترکہ ویرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدۃ ویؤتیکم بالجماعۃ الفرقۃ وبالفرقۃ الفتنۃ فاصدعوا عن نزغاته ونفساته واقبلوا النصيحة ممن اهداها اليكم واعقلوها على انفسكم. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا. این القوم الذین دعوا, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اپنے سامعین کو, اپنے محبان کو, اپنے شیعان کو, اپنے گروہ کو فرماتے ہیں ہائے ہائے وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. اب آپ اپنے ایمان سے کہیے کیا مولا علی شیر خدا کا عقیدہ اور خیال خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کی نسبت اور ان کا خیال وہ تھا جو آج تصور کیا جاتا ہے؟ ان کے کلام کو سنیے. وہ لوگ کہاں گئے, این القوم, جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ اشارہ کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کی طرف, سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام کی طرف جو تلوار لے کر آئے تھے حضور کا شکار کرنے, مگر تلوار نظر مصطفیٰ نے عمر کا شکار کر لیا اور صحابہ کرام کو کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے تو اندر کمرے میں دار ارکم میں نمازیں پڑھی جاتی تھی, میرا آپ کی غلامی میں آنے کا کیا فائدہ کہ اب بھی چھپ کے پڑھیں, نکلیں صحن کعبہ میں للکار کر مشرکوں کے سامنے ہم نماز پڑھتے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ یاد کر رہے ہیں جب ہجرت کا حکم آیا تو سب کوئی گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلا گیا, کاروبار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے, وطن چھوڑ کے چلے گئے, جنہوں نے ساری محبتیں ترک کر دی, رشتے ترک کر دیے, نسبتیں ترک کر دی, ان کو یاد کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ, ہر کوئی سب کچھ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. فرمایا مدینہ چلے جاؤ, سب کچھ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. فرمایا تلواریں اٹھاؤ غزوہ بدر پہ چلیں, ہر کوئی چل اٹھا, گردنیں کٹنے لگی کٹوانے لگی, واپس پلٹے فم احد چلو تو احد میں چلے گئے, خندق کھودو خندق کھودنے لگے, زخمی جسم واپس پلٹ کر آتے تھے خون رس رہا ہوتا تھا. حضور فرماتے نیا دشمن آ رہا ہے, دوبارہ لشکر صف بند ہو کر پھر چلو, رشتے خونوں کے ساتھ پھر چل پڑتے تلواریں اٹھا کر. وہ زمانے یاد کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا. تو انہوں نے قبول کیا, قرآن پڑھا تو اس پر اچھی طرح عمل کیا, اچھی طرح عمل کیا, جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا, جوش دلایا گیا. اب یہ سنیے, یہ جو میں نے ذکر کیا, جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تو وہ اس طرح بڑھتے جہاد کی طرف, گردنیں کٹوانے کی طرف, تن من دھن لٹانے کی طرف اس طرح بڑھتے جیسے اونٹنیاں اپنے گم شدہ بچوں کو پالیں تو دوڑتی ہیں. یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں جیسے اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف دوڑتی ہیں اس طرح حضور کے حکم پر وہ اپنی جانیں کٹوانے اور اپنی جان لٹا دینے کے لیے جہاد کی طرف لپکتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں انہوں نے تلواریں بے نیام کر لی تھی. اب آپ اپنے ایمان سے کہیے یہ کون لوگ تھے,
क्या कबूल इस्लाम करने वाले उमर फारूक और उस्मान नहीं थे रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन? क्या सेने काबा में बावाज़े बुलंद कुरान और खुदा का नाम बुलंद करने करवाने वाले ये नहीं थे? 40 सहाबा थे ये पहले, सीदना फारूक आजम 40वें सहाबी है कबूल इस्लाम किया। हिजरत के लिए बुलाया, क्या ये सब लोग हिजरत नहीं कर गए? जिहाद के लिए बुलाया, क्या इनमें से कोई एक सीदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली शेर खुदा और दीगर सहाबा इनमें से कोई एक कभी गैर हाजिर हुआ मैदान बद्र से? कोई गैर हाजिर हुआ मैदान उहद से? कोई गैर हाजिर हुआ गजवा खंदक से? कोई गैर हाजिर हुआ हुदैबिया के मैदान से 1500 सहाबा? कोई गैर हाजिर हुआ फतह मक्का से, गजवा हुनैन से, गजवा हवाजिन से, गजवा खैबर से, गजवा तबूक से? किसी एक में भी अगर कोई बता दे कि इन खुलफाए राशिदीन में से किसी एक ने गैर हाजिरी की हो सिवाय एक मौका के, जब हुजूर ने हुक्म दिया था हजरत उस्मान गनी को कि अहलिया बीमार हैं तो इधर रहो, और एक मौका पर मौला अली शेर खुदा को रोका था गजवा तबूक पर कि पीछे खवातीन की हिफाजत के लिए रहो ना जाओ। इन दो वाकयात के किसी ने कभी तखल्लुफ किया पीछे रहा? तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं उनको जिहाद के लिए बुलाया गया तो जिस तरह ऊंटनियां बच्चों की तरफ बढ़ती हैं वो दौड़े दौड़े आते थे, तलवारें बेनियाम करते थे, और अतराफ जमीन में आगे कहते हैं गरो दर गरो परवानावार बढ़े। अब अतराफ जमीन का इशारा किधर है? फतह मक्का की तरफ है, फतह खैबर की तरफ है, फिर फतह शाम की तरफ है, फतह इराक की तरफ है, फतह ईरान की तरफ है। ये सीदना फारूक आजम के जमाने की फुतुबात हैं, सीदना सिद्दीक अकबर के खजबात हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, यमन की फुतुबात हैं, ये सब खुलफाए राशिदीन ने की। वस्त एशिया की फुतुबात हैं, अफ्रीका की फुतुबात हैं, फलस्तीन और रोम की फुतुबात हैं, फारस की फुतुबात हैं, हिंद और सिंध की फुतुबात हैं। फरमाते हैं अतराफ जमीन में दुनिया के अतराफ व अकनाफ में परवानावार बढ़े। कोई शहीद हो गया, कोई बच गया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जो शहीद हो गए जो बच गए उनको उनके साथियों की जिंदगी पर मुबारकबाद नहीं दे सकते, मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो शहादत को नेमत समझते थे। हाय 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 हाय, जो बच गए गाजी हुए उन्हें मुबारक नहीं दे सकते क्योंकि वो शहीद होने को मोहब्बत महबूब जानते थे, नेमत समझते थे। और जो शहीद हो गए दुनिया से रुखसत हुए उनके साथियों को ताजियत नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी शहादत पे रश्क करते थे, रश्क करते थे कि खुदा के हुजूर जा पहुंचे, कामयाब समझते थे। फिर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि उनकी आंखें फर्त गिरिया से सफेद हो गई थी, उनके पेट रोजों की वजह से पीठ से लग गए थे। अब असाब सुफा की बात हो रही है, ये सारे सहाबी असाब सुफा में आके बैठते थे, उनके रोजों की वजह से पीठ से लग गए थे, उनके होंठ दुआ से खुश्क हो गए थे, उनके रंग बेखाबी और शब बेदारी से जर्द हो गए थे, उनके चेहरों पर अल्लाह की खशियत उदासी बन के छाई हुई थी, हर वक्त गमजदा नजर आते थे। ये सारी बातें करके फिर फरमाते हैं मौला अली शेर खुदा उलाइका इख्वानी, लोगों सुन लो, कल को मेरे और उनके दरमियान तफरीक ना कर देना, फूट ना डाल देना, दुश्मनी और अदावत के अफसाने ना फैलाना कि मैं और रास्ते पर था वो और रास्ते पर थे, हम में दुश्मनी थी मुखालफत थी, नहीं। फरमा रहे उलाइका इख्वानी, खुदा की कसम वो मेरे भाई थे, वो मेरे भाई थे। अज़्ज़ाहिबून, वो चले गए, मैं अभी बाकी हूं, वो गुजर गए चले गए। अब फरमाते हैं हम पर वाजिब है, हक ये है कि हम उनसे मिलने की प्यास पैदा करें अपने दिलों में, जहां वो गए हम भी उनके साथ आखिरत में पहुंचें। वाजिब है कि हम दुआ करें कि मौला हमें भी अबू बकर सिद्दीक से आखिरत में मिला दें, हमें भी फारूक आजम के साथ आखिरत में मिला दें, हमें भी उस्मान गनी के साथ आखिरत में मिला दें, इब्न मसूद के साथ मिला दें, बलाल हबशी के साथ मिला दें, सलमान फारसी के साथ मिला दें, इब्न उमर इब्न अब्बास के साथ मिला दें। हम पर वाजिब है कि हम भी उनके साथ जा मिलने की तमन्ना करें, दुआ करें।
और वो जो हमसे जुदा हो गए उनकी जुदाई पर अपने हाथ मले हैं। फरमाते उनकी जुदाई पर अपने हाथ मले, हम पर वाजिब है कि उनके जुदा होने पर हाथ मले। ये मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। और उसके बाद आप फरमाते हैं लोगों सुन लो, इन शैताना युसन्नी लकुम तो रुकहू, तुमने मुझसे सहाबा कराम की बात सुन ली, यही खुतबा चल रहा है नहजुल बलागा का, तुमने शान सुन ली मुस्तफा के सहाबा की, सबकी सुन ली, और ये भी सुन लिया मेरे भाई थे वो चले गए, अब सुनो शैतान तुम पर हमले करेगा। ये नहजुल बलागा है, शैतान तुम्हें हमला करेगा तुम पर, युसन्नी लकुम तोरो का हू, और नए नए तरीके निकालेगा शैतान तुम्हें बहकाने के लिए, नए नए रास्ते निकालेगा, तफरके बनाएगा तुम्हारे जेन में वसवसे डालकर, क्योंकि शैतान ने कसम खा रखी है लौग्वियन्नहुम अजमाइन, मैं गुमराह करके रहूंगा सबको, तो शैतान गुमराही करेगा, नए रास्ते दिखाएगा जो सहाबा कराम के रास्तों से जुदा होंगे। ये पूरा बयान सहाबा कराम का करने के बाद अब फरमा रहे हैं ख्याल रखना शैतान हमला करेगा। अब आप थोड़ी देर सोचिए और अपने ईमानदारी से कहिए, अब ये क्या फरमा रहे हैं मौला अली शेर खुदा, कि अगर तुम सहाबा कराम की राह से हट गए, उनको बुरा भला समझा, उनकी ताजीम व तकरीम न की, उनके उस वो सुन्नत को वाजिब न समझा, और उनकी इस शान पर अकीदा ना रखा जो मैं बयान कर रहा हूं, और उनके रास्ते पर न चले, तो सुनो इसका मतलब है तुम शैतान के तरीकों पर चलोगे, शैतान के तरीकों पर चलोगे। और शैतान क्या करेगा, युरीद अन यहुल्ला दीनकुम उकदतन उकदतन, एक एक गांठ करके खोलता जाएगा और तुम्हारे दीन की सारी गांठें खोल देगा शैतान, और तुम दीन से बेदीन हो जाओगे। कभी यह मसला तुम्हारे जेहन में डालेगा कि सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को हुजूर की विरासत न दी, तुम्हें मुतनफिर कर देगा। कभी यह डालेगा कि खिलाफत का हक छीन लिया, तुम्हें मुतनफिर कर देगा। कभी शैतान यह वसवसे डालेगा कि सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की बेहुरमती की, इस तरह उकदतन उकदतन एक एक करके मुख्तलिफ वसवसे तुम्हारे जहनों में डालता जाएगा, और इन गांठों के जरिए तुम्हें दीन तुम्हारे हाथों से छीन के ले जाएगा। और फरमाया कि युतियकुम बिलजमात अलफुरका, और तुम यकजा हो, जमात हो, जमात से मुराद है वो जमात जिसमें सहाबा भी हो अहले बैत भी हो, सब यकजा हो तो जमात है, जुदा जुदा हो जाए तो जमात दीन नहीं है। फरमाया शैतान तुम्हें तफरका में मुबतला करेगा, सहाबा इधर कर देगा, अहले बैत इधर कर देगा। अहले बैत के मानने वाले सहाबा कराम के दुश्मन बन जाएंगे, सहाबा कराम की बात करने वाले अहले बैत के दुश्मन बन जाएंगे। बिलफुरकत फितना, और अगर तुम जमात को तोड़कर इफ्तिराक में मुबतला हो गए तो इसमें फितना है, गुमराही है। फरमाते हैं फसदफू अन नजात ही व नफसात ही व अकबल नसीहा, शैतान के हमलों से बचना, उसकी चालों से बचना, उसके हीलों से बचना, अपने आप को बचाना, और नसीहत को कबूल करो जो मैं तुम्हें कर रहा हूं, क्योंकि ये वो नसीहत है मिम्मन अहदाहा इलैकुम, कि जिन्होंने तुम्हें नसीहत पहुंचाई वो सहाबा भी थे वो अहले बैत भी हैं। वाकिलूहा अला अनफुसिकुम, अक्ल से काम लेना अपनी जानों पर, फिक्रमंदी से काम लेना, अदल और इंसाफ से काम लेना, और तफरका में न पड़ना, सहाबा और अहले बैत को जुदा न करना, यकजा रखना, इस यकजाई से जमात होगी और जमात पर अल्लाह का हाथ होगा। यह आज की गुफ्तगू में इन रेफरेंसेस के साथ जो मौला अली शेर खुदा का पैगाम है नहजुल बलागा से खत्म करता हूं। कल की नशिस्त से इंशाअल्लाह ताला अब हम कुरान मजीद की आयात का मुताला शुरू करेंगे। उसूल बयान कर चुके कि ये तमाम फैसले करने के लिए कि सहाबा कराम का मर्तबा क्या है, इंक्लूड में मुराद खुलफाए राशिदीन का, फर्दन फर्दन सबूत करूंगा कुरान मजीद से, मगर तमाम तफासीर जो जेर मुताला होंगी वो अहले तशय्यो की जेर मुताला होंगी। सब कुछ अहले सुन्नत की तफासीर में तो आया ही है, मगर अहले सुन्नत की तफासीर से बयान करना तो फिर क्या करना। तमाम रेफरेंसेस सहाबा कराम के इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी अहले तशय्यो की अजीम जलीलुल कदर बड़ी बड़ी ऊंचे दर्जे की तफासीर से इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
بكر و